ओके, नमस्ते एवरीबॉडी। आज का अड्डा शुरू करते हैं। प्रथम प्रथम बताओ, प्रथम आपका नाम प्रथम है या प्रथम है, मतलब आपको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? प्रथम 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 मीन फर्स्ट, संस्कृत फर्स्ट। और आप फर्स्ट है, और आप मेरे अड्डे में भी फर्स्ट आ जाते हैं हमेशा। किताब एक्चुअली पढ़ने में मैं फर्स्ट मुझमें हमारा है। पेशेंस नहीं है, पेशेंस हाँ, नहीं है नहीं मुझमें। अच्छी जब है। मैं अगर पहली बार में नहीं जुड़ पाया तो फिर नहीं आता हूँ, कौन वेट करेगा इतना हाँ, लंबा। ये भी ठीक है, लेकिन मैं हमेशा आप तो आए, अब आपको मैंने बहुत है क्योंकि आपको बहुत इंटरेस्ट है और आपको अच्छी समझ है पूरे केस की, मज़ा आता है। तो आपसे किसी दिन, मैं आपसे या और लोगों से मैं सोचा था आपको, मैंने आज दिन में बताया था आपको मैंने ट्विटर पे कि एक हाँ, रीडर्स से एक कम्युनिकेट, मतलब इंट्रोडक्शन एक संवाद करना करें। था हाँ, तो तो मैं सोच रहा हूँ कि ना एक हाँ कन्वर्सेशन विद रीडर्स करके करूँ, जिसमें मतलब उन लोगों से बातचीत हो जिसने जिन्होंने हमारी किताबें पढ़ी हुई है ढंग से, उनसे बात करने का लेवल कुछ और होता है। तो उसमें फिर मैं सर, सिलेक्शन करूंगा सैटरडेज कि बेस्ट रहता है। अभी सैटरडेज आगे का, आगे 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 का मुझे पता नहीं है, सैटरडे देखूंगा नाइट बेस्ट धीरे होता धीरे 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 3 4 दिन देखूंगा कि है। कौन कौन से आप में से लोग हैं जो जिन्होंने समझ ली है, जिनके पास में सवाल ऐसे हैं जिसको सुनने से और लोग को मज़ा आएगा सुनने में। मैं और आप बात करें, आपको मुझे मज़ा आ रहा है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना। मज़ा तब आया कि जब आप और मैं बातचीत कर रहे हैं और बाकी लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा। तो उसमें फिर मैं क्या करूँ कि आप दो तीन लोग को सेलेक्ट करके फिर उनसे डिटेल में बात करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो बहुत लोग आ जाते तो मुझे अनफॉर्चुनेटली हटाना पड़ता ना थोड़ी देर बाद। यही है, करेंगे धीरे धीरे। अभी इवॉल्व, सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, धीरे धीरे कैसे इवॉल्व करें। अभी मैं अभी ऑडियो सोल्यूशन के चक्कर में बैठा हूँ, ये गले बांध करके कि थोड़ी आउट साउंड क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि मेरा मानना है कि वीडियो आउटपुट अच्छा नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ऑडियो हैज़ टू बी क्रिस्टल क्लियर, देर इज नो कॉम्प्रोमाइज अबाउट इट, क्रिस्टल क्लियर ऑडियो। एंड समहाउ आई फिगर्ड आउट कि ये जो भी माइक्रोफोन जो है ना, जितना मुंह के पास आप लगाओगे वो उतना अच्छा, वो उसका उतना अच्छा आवाज आएगा। उसके अंदर कोई आप हाई एंड ले लो, फर्क पड़ता नहीं, आवाज़ क्लियर नहीं आती है। इवन इफ यू बाय वेरी यू नो नॉट इकोनॉमिकल हेडफोन्स वट एवर, इफ इट इज क्लोजर टू योर माउथ साउंड इज वेरी क्लियर, लेकिन वो जितना मुंह से दूर हो जाएगा उतना साउंड बिगड़ जाता है। तो मैं वो अलग अलग ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ कि किस ऑप्शन से रखूँ कि कम से कम आप लोग की आवाज़ और जो भी है आवाज़ लोग को सुनाई दे। और क्योंकि आजकल कुछ ट्रेंड्स नए स्टार्ट हुए हैं, कुछ नए ऐप शुरू हो गए, अपने क्लब हाउस शुरू हो गया है, ट्विटर स्पेसेस जहाँ पे मैं जाता रहता हूँ बीच में, तो उसमें यह है कि उसमें लोग सुनते बहुत हैं, मतलब वो देखते हैं सुनते हैं सब, तो वो भी एक अपना, उसका भी एक एडवांटेज है। वीडियो अपनी जगह पे है लेकिन ऑडियो का अपना हुआ करके। तो धीरे धीरे मैं टेक्नोलॉजी में, कल मेरी बातचीत आप लोगों से हुई थी अड्डे पे, तो आप लोगों ने बताया कि कैसे कैसे कुछ और काम किया जा सकते हैं, तो बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी ज़रा ये ज़रा एकदम लाइन पर आ जाए, तो अभी लाइन पे आ जाए सिस्टम, तो उसके बाद में फिर इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर प्रॉब्ली विल हैव अड्डाज ओनली ऑन दोज टॉपिक्स कि कैसे इसको हम लोग आगे ले जा सकते हैं, और आप लोग के विचार क्या हैं, कैसे मतलब आप अलग अलग, आप लोग अलग अलग फील्ड के हैं, आप में से कईयों काफ़ी अच्छी समझ इन चीज़ों की, मुझे समझ नहीं है, तो धीरे धीरे उसको हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, बताओ प्रथम क्या क्या बोलना, आज क्या बोलना चाहते हो अभी? हाँ सर, वैसे ये पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। ये एक कोई गांधी भक्त है साबरमती आश्रम से, वो हाँ, बार बार आपको कोट ट्वीट करके पता नहीं क्या क्या कर रहा है ना। तो कौन, कुछ नामम है जैसे इसका कुछ? अरे सर, आपका ये जो इनकाउंटर हो रहा है इसके साथ, ये साबरमती आश्रम हाँ, का अनऑफिशियल गांधी नहीं अनऑफिशियल नहीं है वो, ट्विटर किसी पर, का ही हैज नॉट, किसी से लिंक तो नहीं है। नहीं थोड़ा लिंक और नहीं है, बोलिए लेकिन इसके बारे वो में, उसका थोड़ा और नहीं, बताइए, वो उसके बारे अजीब में अजीब बताइए सी थोड़ा। बातें कर रहा है ना। जैसे हाँ, जैसे कि वो काउंटर कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि INA को या फिर नेताजी को हिस्ट्री में स्पेस नहीं मिला, बहुत स्पेस मिला है। और गांधी जी का वो कर रहा है जिसने आपको बोला था, RC मजूमदार आपकी फेवरेट हिस्टोरियन है। हाँ, जिनको मैंने बोला कि मजूमदार जी मेरे हिस्टोरियन फेवरेट नहीं है अभी, क्योंकि डॉक्टर मजूमदार जी की तो डेथ होगी, मैं तो कभी मिला नहीं उनसे, मैं तो प्रोफेसर कपिल कुमार जी का चेला हूँ, कपिल जी से मिला हूँ, तो मैं तो जो आजकल के टाइम के लोग हैं उन्हीं को याद करूँगा ना। मजूमदार जी बड़े हिस्टोरियन ग्रेट थे, लेकिन उनको गए बहुत समय हो गया, जिन जो अभी सर हमारे जमाने में, हमारे में एक्टिव है। देखिए वो बोलेंगे, अभी होना क्या कि धीरे धीरे जैसे ही हम लोग अपना थोड़ा गांधी जी के प्रकरण में अपने तथ्य सामने लगाएंगे, और खासकर जब नेताजी का जो प्री एमिनेंस है उसको हम लोग पब्लिक के सामने रखेंगे, तो इनको मिर्ची लगेगी। जब इनको मिर्ची लगेगी तो पहले ये छोटी मोटी बातें करेंगे, बाद में घूम फिर के इन लोग के पास में नेताजी पे अटैक करने के एक ही इशू है कि वो एक्सिस पावर्स के साथ मिल गए थे, क्योंकि उनको मालूम है कि महात्मा हाँ गांधी की पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा है यूरोप अमेरिका में, तो वहीं उनके पीछे छुप जाएंगे जाकर के लोग कि साहब देखो जी वो तो
उनका नाम बहुत चलता है वहां पे, ये फ्रांटम का, तो वो घूम फिर के उनका वही एजेंडा है, वो 50 साल से चल रहा है कि घूम फिर के वो बोलेंगे कि सुभाष बोस तो बड़ा गलत आदमी था। मैंने देखा लोगों ने मारे में कि वो तो गलत डिसीजन लिया उन्होंने, उसने डिसीजन गलत लिया, तुम लोगों ने ठीक लिया जो बैठ करके अरे डिसीजन चल रहा इंटेलेक्चुअल लोग बोलते हैं सर, समझ भी है। नहीं है उनको इंटेलेक्चुअल लग रहा का तो काम ही है ना, उनका तो काम अपनी दुकान चलानी है, उन्होंने बैठ के उनकी दुकान तो वहीं चलेगी ना उनके हिसाब से, उन्होंने कौन सा है। नौकरी करनी है मैंने उसमें रॉ के अंदर आईबी के अंदर, उन्हें क्या मतलब नेशनल सिक्योरिटी से, ऐसे वही इतना काम चलता है देश का भैया। आपको अपनी कंट्री का हक, वो पॉन्टिफिकेशन तो ना करेंगे, अपने अपने जो अपने देश की जो जो आपके देश की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले उस पर डिसीजन ली जाएंगे, ऐसे तो नहीं होता ना, दैट्स हाउ इट इज। तो ये एक सेकंड सवाल ये था, हाँ ये मैं थोड़ा इस पे, जो INA को आर्मी में इंडक्ट नहीं किया, आपने थोड़ा उसका कनंडर्म में भी दिया है। सो जैसा कि आप लोग ने भी समझाया है, इट वाज अ टाइप ऑफ प्री प्लान थिंग, जानबूझ के किया है उसको मोस्ट प्रोबेबली। तो अब उसको मैंने थोड़ा सा सर्च किया, तो मैंने देखा कि कुछ लोग आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसके बारे में कि आर्मी चीफ जैसे जनरल करियप्पा ने भी रिकमेंड किया था कि INA के लोगों को आर्मी में मत लो, तो नेहरू जी ने बस उनकी बात मान ली। नेहरू जी अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे तो बात नहीं, मानते थे जनरल। करियप्पा तो जनरल नहीं था 46 47 में, वो तो बाद में बना, 48 में नहीं, बना। 47 के बात कर। नहीं, हाँ तो 40 मतलब करियप्पा ने डिसीजन भी तो, बोला था कि INA के लोग आर्मी में। डिसीजन नो नो डिसीजन तो पहले ही हो गया तब तक, करियप्पा तो खुद भी तो ब्रिटिश आर्मी के अंदर था, वो तो अंग्रेजों का लॉयलिस्ट था, उसका भाई INA में बट था करियप्पा को लोग ग्रेट मानते हैं ना, करियप्पा। हाँ करियप्पा जी को तो ग्रेट करियप्पा को मानते हैं लोग, नहीं, वो ग्रेट ग्रेट है ग्रेट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1947 के बाद जो उनका कंट्रीब्यूशन है उससे ग्रेट मानते हैं, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट से आप जाएंगे, उसके पहले में जाएंगे, वो तो अंग्रेजों के साथ में थे, वो तो पूरे अंग्रेज थे। आप उनके वीडियो देखना, बाय द वे करियप्पा से मुझे याद है, जनरल साहब से, जनरल करियप्पा के वीडियो चेक करना, वो तो पूरे अंग्रेज थे, दिखने में भी वहां थोड़ा पे लगते पूरे देखने में अंग्रेज थे, बोलने में पूरे अंग्रेज थे, वो पता ही नहीं चल रहा देखने में कि अच्छा। हिंदुस्तानी आदमी है। हाँ तो वो उनके हिसाब से बोल रहे हैं, वो डिसीजन पहले ही माउंटबेटन वगैरह ने ले लिया था कि इनको नहीं लेना लोगों, तो वो तो उनका डिसीजन जो उन्होंने ले लिया वो उसी पे चल रहे थे कि इनको नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने किंग के खिलाफ रेबल किया, इन्होंने ब्रिटिश किंग के खिलाफ में, और वो उस जमाने में थी, वो उस कॉन्टेक्स्ट की बात है। वो तो फिर सारे थे, वो तो फिर जितने लोग थे उनके खिलाफ में थे, बट हम लोग अपने हिसाब से बात करेंगे, अपने सरकमस्टेंसेस अपने अपने से देखेंगे, तो वो डिसीजन हाँ। और ये सर दूसरा सवाल ये था कि ये सवाल पवित्र मोहन रॉय से रिलेटेड है, भगवान जी के फॉलोअर से रिलेटेड। जैसे कि एक एक आदमी पूछ रहा था कि कमेंट सेक्शन में कि पवित्र मोहन रॉय ने जैसे पहली बार उनका फेस देखा था आई थिंक 70s में, जब वो बस्ती में थे, जैसा उनके बेटे ने बताया था। तो जैसे लोग बोलते हैं कि पवित्र मोहन रॉय ने सिर्फ एक बार फेस देखा, उनका दोबारा देखा नहीं, तो वो कहना चाहते हैं हम कितना स्ट्रॉन्ग उनको मान सकते हैं एज एन एविडेंस। दो तीन चीज़ें। पहली बात तो ये कि उनके बेटे ने जो बताया वो जो पिताजी ने उनको बताया, पिताजी ने उन्हें कितना बताया हमको पता नहीं। दूसरी बात ये कि मैं ये नोट कर रहा हूँ कि भगवान जी के कई फॉलोअर्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि मेरे शक्ल मत देखो, ठीक है, तो अगर उन्होंने गलती से देख भी लिया होगा तो वो कभी बोलते थे नहीं उसके बारे में, इज टू नॉट टॉक अबाउट इट, ठीक है। जैसे एक सुनील कृष्ण गुप्तो ने मेरे सामने नहीं माना कि मैंने शक्ल देखी है, और अच्छा अपने सूरजी दास गुप्ता, जगतजी दास गुप्ता ने मेरे सामने बोला कि हमने नहीं देखी, लेकिन बाद में वो एडमिट करके रो अच्छा पड़े कि हमको मना किया गया था लेकिन हम लोग कंट्रोल नहीं कर सके थे, तो हम छुप छुप करके हम लोग खिड़की के साइड से देखा करते थे, और कई जगह वो जो रहने का जो जगह थी, अच्छा जैसे मान लीजिए पवित्र मोहन राय उनसे मिलने गए थे और ये वहाँ पे थे अपने अपने क्या नाम है नेमिषारण्य में, तो वहाँ मैं गया हूँ नेमिषारण्य में जहाँ वो रहते थे, उधर वो जगह मैं देखा था, या उसके बाद वो बस्ती में गए थे, कोई जगह हुए थे, पवित्र मोहन रॉय वहाँ पे जाके दो दो महीने उनके पास में रहा करते थे, 1 महीना 2 महीना करके, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो एक, अब प्रॉब्लम ये थी कि एक जगह में जैसे बस्ती वगैरह में, मेरे को तो याद है कि बाथरूम जो था वो बिल्कुल अलग जगह पे था, तो वो आदमी को कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा नहाने के लिए, और वो अकेला नहीं नहा सकता, पहले कुएं से पानी निकालेंगे फिर वो करेंगे, पुराने जमाने की बात थी ना जमाने की, तो वो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उन्होंने वो आते जाते कभी शक्ल नहीं देखा, और जब तो दैट दैट उन्होंने कह दिया वो ठीक है, लेकिन और पवित्र मोहन राय डॉक्टर थे पहले, रेवोल्यूशनरी थे, वो कुछ ठोक बजा के वो आए थे। दूसरा रही की बात, कई बार आपकी बात
आवाज ही मोर देन सफिशिएंट होती है। मैंने भी कुछ बार टेलीफोन पे ऐसे लोगों से बातचीत की है जिनको मैंने बचपन में कभी देखा था सुना था, और एक सेकंड में मुझे याद आ गया याद नहीं वो था। तो जिसको आप जानते हैं, जिसके साथ आपने काम किया, अगर आपके सामने वो 20 साल बाद भी अगर उस बातचीत करे, उसका बात करने का स्टाइल होता है और वो ऐसी बातें बोले जो किसी को नहीं मालूम हो, तो ऑब्वियसली तो पवित्र मोहन राय को ठोक बजा के ही किया था। और ये कि सारी बात घूम फिर के आती है कि अगर ये पवित्र मोहन राय कन्फर्म नहीं था तो वो उनके पीछे क्यों गया था। उनके जो 84-85 लेटर्स वहाँ से मिले हैं उनके घर से, और उनके जो लेटर वहाँ से मिले हैं 100-150 उनके घर से, जो उनका लड़का बोल रहा है, जो उनकी और घर वाले बोल रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों करते फिर। अब दूसरा कि उन्होंने पब्लिसिटी तो की नहीं कभी इसकी, या तो ना कि या तो कोई आदमी झूठ बोल रहा है, पवित्र मोहन राय तो जिंदगी भर कुछ नहीं बोला, मुंह नहीं खोला पब्लिकली सब, तो इट डजंट इट वही है। हाँ, मल्टीपल कारण थे, तो शक्ल लोगों ने देखी है, वो लोग मानते नहीं थे लेकिन बहुत शक्ल देखी है। अच्छा, ओके ओके। तो ये एक चीज है, और एक और चीज मैंने नोटिस किया, ये शॉलमरी केस से रिलेटेड है। ये शॉलमरी केस में सुनील दास जो भगवान जी के फॉलोवर हैं, वो घोष से मिले थे, सुरेंद्र मोहन घोष से, जिनको भेजा गया था पता करने के लिए कि ये आदमी बॉस है कि नहीं। तो वो उनसे जाके मिले थे, और उनने जो लेटर में लिखा है, There was a plan to contact the British. No, no, no. He did not meet him. He met him accidentally. He knew him. कि सुरेंद्र मोहन घोष पुराने जमाने के रेवोल्यूशनरी थे, बिफोर ही बिकेम पार्ट ऑफ द नेहरूवियन गवर्नमेंट इन वन वे द अदर। बट वो उनसे एक्सीडेंटली वो ये गए थे, सुनील दास गए थे मुख्यमंत्री के ऑफिस में, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल के ऑफिस में गए थे, वहां उनकी एक्सीडेंटली प्रफुल्ल चंद्र के, हाँ, तो उसके एक्सीडेंटली उससे उनसे मुलाकात हुई। नहीं, उन्होंने जो लेटर में लिखा है वो तो कोराबोरेट हो रहा है जो आपने आरटीआई से डॉक्यूमेंट निकाला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि सुरेंद्र मोहन घोष की रिपोर्ट मिली है पूरी। सुरेंद्र मोहन घोष ने 7-8 पन्ने की रिपोर्ट दी है उसको, पंडित जी को, जिसको हम लोगों ने आरटीआई से निकाला है। और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि उसमें उन्होंने ये बोला था बीच में कि मुरारजी भाई को लंदन में स्टैंड बाय रखा हुआ था, कि इनके साथ वो नेता जी निकलते तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे। तो उसने ये सुरेंद्र मोहन घोष ने अपनी रिपोर्ट में जो पंडित जी को भेजी है उसने मेंशन किया कि मुरारजी भाई को मैंने टेलीग्राम भेज दिया। हाँ, वो भेज दिया, वो तो बोला है। और कमाल की उसी बात है कि पंडित जी बैठ के ये बोल रहे हैं कि साहब नेताजी प्रियंका से मर गए सन 1945 में। तो भैया नेताजी प्रियंका से मर गए और सन 1962 में वो कोई बाबा आके बैठ गया शॉल बारी में, तो इंक्वायरी तुम किस बात ही करवा रहे हो, और फिर बाद में तुम इन्फॉर्म कर रहे हो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने का आप लोगों का आइडिया बीच में, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुरेंद्र मोहन घोष की रिपोर्ट अपने बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा प्रकरण, लेकिन लोग एक काउंटर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्या लोग कह सकते हैं टेलीग्राम भेजने से ये कैसे साबित होता है कि वो कांटेक्ट करने जा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से? एक काउंटर क्वेश्चन लोग वो रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि मैंने इस आदमी से मिला हूं, ये आदमी नेताजी नहीं है, मैंने मुरारजी भाई को टेलीग्राम भेज दिया। तो मुरारजी भाई को टेलीग्राम किसका भेजेगा, शादी का भेजेगा अपनी, क्या वही तो उसी के बारे भेजेगा ना जिसे मिलने गया था। तो मुरारजी भाई क्या लंदन में किसने, लंदन में मुरारजी भाई क्या शॉलमरी साधु के लिए गया था, वो क्या करने वही तो वो फाइनेंस मिनिस्टर, इट्स ऑल दैट्स अप। मुरारजी भाई हैज नथिंग टू डू विद शॉलमरी, और ऐसा भी अर्जेंट केस नहीं है कि आप उसके 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 वापस आके उसको इन्फॉर्म करो, इसका मतलब कोई टॉप सीक्रेट इशू है जो उसको अर्जेंटली इन्फॉर्म उन्होंने करना था। मुरारजी को मुरारजी बेटा यूके में करना, हां ये अपना, तो ये एक्चुअली में बहुत ये अपना पे बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। शॉलमारी से ही आप पकड़ करके पूरी कहानी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भी डिबेट नहीं हो पाई, क्योंकि ये बार बार ये बोलते रहते हैं कि मैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पूरे केस में कि मैं नहीं मानता। सारे दुनिया वाले अपना अपना विचार पहले लेकर आ जाते हैं कि भाई मैं नहीं मानता, वो यार मानेंगे नहीं मानेंगे वो अलग बात है, आप पहले ये देखो कि एविडेंस क्या बोल रहा है। एक बार जब एविडेंस आपका उसके आपके सामने आ जाता है और आप देख लेते हो कि इसमें जोर है, तब आप बीच में लाइएगा। अब पहले ही मना कर दो जी मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं सुनूंगा नहीं किसी को, मानता नहीं बात को मैं, तो उससे तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा ना। आप कोई भी इंक्वायरी करते हैं, किसी भी केस की इंक्वायरी करेंगे, छोटा बड़ा केस होगा, जब तक आप सारी पार्टीज की बात नहीं सुनोगे तब तक आप कैसे आप इशू को सॉल्व करोगे। पहले इसमें माइंड मेकअप कर लेंगे आप, जैसे कोई भी घटना घट रही है हमारे देश में, कोई भी हो कुछ भी हो, जैसे लखीमपुर में वो कोई किसी को उन्होंने बड़ी गुदा से मार दिया, कोई आदमी ने सरेंडर भी किया सामने, आप पूरी बात सुनोगे ना। फिर वो पहले एक्सीडेंट हुआ था कि वो कोई कहते हैं मंत्री जी के लड़के की गाड़ी वहाँ पे थी, आप इन्वेस्टिगेशन करोगे
इंक्वायरी करोगे, उसकी बात सुनोगे, उनकी बात सुनोगे, किसान की बात सुनोगे, तभी तो वो डिसीजन लेकर आओगे, या फिर जो आपका आ गया टेलीग्राफ कलकत्ता में वही कुछ आप वही सच है, हाँ ऐसा नहीं होता ना। नहीं, आप मैं सब एक तो और बात सुनते ही पूछ रहा इंक्वायरी था। करते हैं ना, तो एक कोई इन्फॉर्म डिसीजन आप तभी लेते हैं जब आप सारे पक्षों को सुनने के बाद में फिर आप डिसाइड करते हैं कि इसमें से कौन सा लॉजिकल है, दैट इज व्हाट द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इज ऑल अबाउट। लेकिन अगर मैं नहीं पहले से ही बट माइंड मेकअप कर लूँ कि जो कलकत्ता के टेलीग्राफ में लिखा है वही सच है और बाकी सब झूठ है, तो भैया फिर तो मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी हूँ, फिर मेरे को बट सबसे मतलब दिस नहीं इज है, मेरे को तो वेरी, कांग्रेस पार्टी से मतलब है। हाँ मतलब दिस इज वेरी एक्सप्लोजिव, इसको हम आगे नहीं ले जा सकते एज एन एविडेंस, ये तो लिया जा सकता है आगे मैं कहाँ लेके जाऊँ यार, किसी को समझ में है तो सर। बाकी तो सवाल ही आरटीआई कोई। आरटीआई में वो लोग आंसर देते नहीं यार, एक लेवल के बाद शुरुआत में हम लोगों ने कागज निकाल ली कि उस टाइम पे आरटीआई नया नया था और उसको आरटीआई को लेकर काफी धमाल हुआ था, वो आरटीआई बहुत पुराना हो गया, अब मीडिया वीडियो में इंटरेस्ट खत्म हो गया उसको लेकर के, और सरकार ने एक एक अब ये जो अब एक बहाना मार दिया कि कैसा भी सवाल पूछ लो नेताजी को लेकर के, वो एक सीधा आंसर देते हैं कि सारी फाइलें नेशनल आर्काइव में चलेगी, जो कि झूठ है अपने आप में, सारी फाइलें नेशनल आर्काइव में नहीं गई है, लेकिन कोई भी उनको तो नेताजी उनको पे कोई, उनको काउंटर करने का भी तो कोई जरिया होगा ना, काउंटर करने का जैसे जरिया उसमें। पार्लियामेंट में, हम बड़ा सा जरिया बताता हूँ आपको मैं, उसका जरिया ये है कि मैं कलकत्ता जाता हूँ और वहाँ जाकर के मैं 10 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ब्रीफिंग देता हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं, आप पार्लियामेंट में आप इंटर सेशन में आप इनको रगड़ो दो पकड़ के इनको, और सीधा प्राइम मिनिस्टर को बोलो कि इसमें आपकी स्टेटमेंट चाहिए, झूठ बोला जा रहा है, और अगर वो नहीं आंसर देंगे तो आप हाउस में चलने दो, 4 दिन में आंसर आएगा आपका देखो। लेकिन प्रॉब्लम की जड़ वही है कि क्या 10-12 MP पार्लियामेंट के बंगाल से, जो नेताजी का होम स्टेट है, क्या वो खड़े होकर के पार्लियामेंट में हंगामा मचाएंगे जैसे वो और इशू में मचाते हैं? नहीं, वो काम करने के तो 50 तरीके, ये तो इशू ऐसा है, ये तो जब तक तो पार्लियामेंट में उछल करके इसमें प्रॉब्लम नहीं, बीजेपी के तो लोग उठाएंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी तो पावर पे, पावर में वैसे भी उनका फोकस आजकल गांधी पे चला हुआ है, तो वो ऐसे उठाएंगे नहीं इस इशू को लेकर, तो वो तो अपोजिशन पार्टी उठा सकती है ना, अब मैं किसके पास जाऊँ, सदन के पास ना, ऑपोजिशन के पास जाना पड़ेगा। अच्छा एक अपन लास्ट उसे सवाल अंदर। था, हाँ एक लास्ट सवाल था, एज फार एज आई नो कि लखनऊ में शायद सीआईडी रूम है कोई, वहां पे सीआईडी के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। सो व्हाट आई थिंक कि जैसे कि जो गुमनामी बाबा से रिलेटेड बीच में उन्होंने मेंशन किया था कि एक दो लेटर गायब हो रहे हैं उनके, तो ये तो 100% है कि सीआईडी ने या आईबी ने, लोकल सरकार आईबी के ने। पास में वो, आपको सरकार मुझे क्यों सीआईडी वीआईडी की, पहली बात तो आरटीआई के अंदर ये इंटेलिजेंस वगैरह पुलिस के रिकॉर्ड को वो उसमें आती नहीं है, तो सूचना के अधिकार से आपको कुछ आपको मिलेगा नहीं, और सरकार क्यों देगी आपको अच्छा रिकॉर्ड बताओ, वो तो वैसे ही देने को राजी नहीं। सरकार का तो एम केस को दबाना है ना, जैसे यूपी सरकार ने सहायक कमीशन की रिपोर्ट को लेकर आए पब्लिक डोमेन में, जिस तरीके से लेकर आए हैं, उसके बाद उनकी उनकी क्या क्रेडिबिलिटी, वो क्यों क्यों बताएंगे आपको, सारे लड़ाई की जड़ ये कि सरकार जो कवर अप कर रही है। मैंने सोचा था योगी कैन डू, मतलब ही इज अ लिटिल डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन। नहीं, डिफरेंट तो है, सोचा था हमने नहीं था अब, लेकिन लाइफ इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस ना, यू गेट सरप्राइजेस, सेंटर अभी से प्रेशर होगा। अब वो भगवान जाने मुझे उससे क्या मतलब, सेंटर से प्रेशर हो चाहे लंदन से प्रेशर हो वो अलग कहानी है, बट पॉइंट ये कि योगी जी ने नहीं किया जो उनसे उम्मीद थी करने की, वो तो पूरा कांग्रेस के स्टाइल में उन्होंने, जैसे मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को हैंडल किया था कांग्रेस ने, वैसे ही एग्जैक्टली योगी जी ने सहायक कमीशन की रिपोर्ट को हैंडल किया, एग्जैक्टली वही उन्होंने वही टेक्निक अपनाई है जो कांग्रेस ने अपनाई थी। एक और लोग बकवास करते हैं कि मैंने देखा है एक दो दिन से कैसे कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स नेताजी पे वीडियो बनाने लगते हैं जब उनका कुछ आता है, अच्छी बात है। उधर मैं नीचे कमेंट्स में देखता हूँ या फिर जो लोगों से कुछ कम्युनिकेट करता हूँ, कहते हैं कि डेथ 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 से क्या करना, नेताजी की आइडियोलॉजी फॉलो करो, इंक्लूसिव आइडियोलॉजी फॉलो करो, डेथ से क्या लेना देना हमारा, ऐसी बात करते हैं, कहते अरे हैं कि ये डेथ सब को। लोग जब जब हम लोग पैदा हुए थे ना, हमारे पैदा होने से 50 साल पहले और हमारे पैदा होने के बाद हर साल में, हर साल एक किताब आती कि महात्मा गांधी को किसने मारा था, और ये सुन सुन करके मेरे मैं मेरा दिमाग खप चुका है कि नथुराम गोडसे ने उसको मारा था और आरएसएस का उसमें कोई लिंकेजेस था, इसी बात को बार बार हर साल रिपीट करते हैं, हर साल किताबें आती हैं उसके ऊपर, उसमें प्रॉब्लम उन्हें कोई नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि डेथ का है, जैसे कि अब 1919, आपको पता है 1971 की वॉर जो हमारी हुई थी उसके अंदर हमने सारे पाकिस्तान के लोग छोड़ दिए, अपनों को नहीं हाँ छुड़वाया, और हमारे बेचारे अच्छा POWs वहाँ पे किस हालात में मरे हो किसी को नहीं पता, नहीं ठीक है। लेकिन जितने दुनिया में सिविलाइज कंट्री हैं, अमेरिकन जो थे फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उनके जो सोल्जर्स मर गए थे और उसमें से कई सोल्जर्स यहाँ भारत में हिमालय पर्वत पे जाके मरे थे पहाड़ों में, उनकी बॉडीज को ढूंढने के लिए अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी और अमेरिकन का डायरेक्टर CIA यहाँ पर आया था,
और यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन मांगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको परमिशन दी, उनकी हेल्प करी है। फिर अमेरिकन जो वियतनाम की वॉर में मिसिंग इन एक्शन थे उनको ढूंढा गया, हमारे भी जो मिसिंग इन एक्शन होते उनको ढूंढा जाता है। तो कोई भी आदमी जब आपकी लड़ाई लड़ने जाता है, देश के लड़ाई करता है, और वो उसकी मौत हो जाए और उसके सर्कमस्टेंसेज जो हैं वो डिस्प्यूटेड हों, वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, उसको आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी उसमें, इसमें बड़ी बात क्या है इसमें। और इनफैक्ट ये तो इवन कांग्रेस की गवर्नमेंट जो पावर में थी वो इस बात को एडमिट कर रही है कि नेताजी का डिसअपीयरेंस इज अ मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, ये तो कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करती है। तो ये बैठ के जो यूट्यूब में बोले जा रहे हैं उन्हें कुछ पता नहीं किसका। जब भी कोई बड़ा आदमी इसमें से किसी की मौत होती है और डाउटफुल होता है, लोग तो दुनिया वो नेपोलियन बोनापार्ट की इंक्वायरी कराते हैं, फिर वो आज से 4,000-4,000 साल पहले वो जो इजिप्शियन वो फेरोज मर गए उनकी इंक्वायरी होती है। ये तो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, रिसर्च कर सकते हैं आदमी। अब आप दुनिया जहान भर के आप ये देखिए, आप इनके जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो होती है या हिस्ट्री की रिसर्च होती है, रिसर्च कैसे टॉपिक्स पे होती है कि आज से 400 साल पहले सिक्के किसके कैसे कैसे थे। अब भैया मुझे क्या लेना सिक्के कैसे बनते थे, मेरे को तो भैया आज 10 साल पुराने सिक्कों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है। लोग इंक्वायरी करते हैं सिक्कों के बारे में, लोग इंक्वायरी करते हैं कि अकबर के जमाने में लैंड रिफॉर्म क्या थे, भाई अकबर ने क्या लैंड रिफॉर्म किए थे, मुझे क्या उसे लेना भैया, मेरे को तो नरसिम्हा राव टाइम भूल गया अब तो। लेकिन हिस्ट्री के लिए ये समझना जरूरी है कि अकबर के टाइम पे क्या होता था। तो इतिहास में हर सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करा जाना चाहिए सच्चाई पता लगाने के लिए। तो ऐसे तो टॉपिक बहुत सारे हैं। अब ये कि जिन लोगों को नेताजी पसंद नहीं है वो ये बहाने मारते हैं, वो जो इंक्लूसिव की बात बोल रहे हैं, इंक्लूसिव की जो बात बोल रहे हैं, तो ये लोग इसलिए ऐसी बातें बोलते हैं, डॉच करते हैं इशू को, डॉच करना है। कांग्रेस के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, जितनी ज्यादा ये इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं, उन्होंने आज तक मानी उनकी बात इंक्लूसिव। अगर नेताजी की इंक्लूसिवनेस की तुम आपको इतनी चिंता है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं उनको हिंदू मुस्लिम एकता का आपने वो बनाया, उनको सिंबल बनाया, तब तो आप गांधी जी को बना देते उठाकर। गांधी तो कभी हिंदू मुसलमान को एक नहीं कर पाए थे, सुभाष बोस कर पाया था, आपने उसे क्यों नहीं सिंबल बनाया, आपने क्यों नहीं सुभाष बोस की मूर्ति लगाई पार्लियामेंट हाउस के सामने, ये आदमी था जिसने सारे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस और सबको एक करा था, तब आपको नजर नहीं आता। सिर्फ आपको बीजेपी को अटैक करने के लिए नेताजी इंक्लूसिव थे, तो वो इंक्लूसिव थे तो हमको मालूम ही है, लेकिन नहीं कि आप आरएसएस और सभा जो जो बोलने वाले हैं वो बेसिकली वो कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग हैं जो अपने एजेंडा से बोल रहे हैं। अब उनको भी सवाल पूछो ना कि नेताजी तुम कौन सी किताब लेकर चलते हो, आप कौन सी किताब लेकर चलते हैं, उनके पास तो गीता होती थी, तुम्हारे पास कौन सी होती है, मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये बेकार की बातें कर रहे हैं उनको, और जहां जब उसकी बात होती है तो ये बोलते नहीं है, ये इशू है। चलो चलिए बात करेंगे, प्रथम 22 मिनट्स हो गया, पीपल आर फेड अप सीइंग माय स्टूपिड फेस। ठीक है, बाय। नहीं स्टूपिड फेस नहीं, बट अपने एग्जाम की चिंता करो। विद्याधर जी नमस्ते, आइए। आप में से संदीप जी हैं लेकिन बीच में निकल जाते हैं, तो मैं अनिर्बन को ऐड कर रहा हूं। अनिर्बन कल रात को भी आया था लेकिन इसको मैं ऐड नहीं कर पाया था। विद्याधर जी कहां पर है, लोकेशन बताओ पहले आप, जो लोग आपसे पहली बार आपको देख रहे हैं। पूना में। नमस्ते, नमस्ते, बढ़िया, बताइए। तीन सवाल है और एक सजेशन है, तो सजेशन पहले बताता हूँ। आप सजेशन पहले दो यार, सुनो सजेशन पहले तो, सजेशन की ज्यादा जरूरत है मेरे को, सवाल तो होते रहेंगे। सजेशन बताओ, सजेशन क्या है? सजेशन ये है कि कल कोई मोरे जी थे ऑनलाइन, आपके साथ बात हुई थी उनकी, पूना से ही थे, मैं था तो जैसे अभी पूना में मैं भी ट्राई कर रहा हूँ आपका एक लेक्चर अरेंज करने का, अस्सी बॉयज कॉलेज में मेरा एक भाई है प्रोफेसर, तो और जो इंस्टीट्यूट में ट्राई कर रहा हूँ, तो जो पूना बेस के लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, तो जैसे हर मेरा पूना में पब्लिशर मेरा वहाँ पर है मराठी वाला, और मेरा मोस्ट लाइकली नागपुर में लेक्चर है 26 तारीख को है, ऑलमोस्ट मैं अनाउंस कर दूंगी कल, वो टिकट विकट आ जाएगा तो मैं अनाउंस कर दूंगा फिर, बट मुझे पता नहीं हो पब्लिक के लोग को अलाउ करेंगे बिकॉज क्योंकि कोविड के चक्कर में ना उनकी सीटें लिमिटेड होंगी वहाँ पे, एनी हो बट पूना में आप करो, आप एक उनको बोलना कि आपकी हमारा इसका स्क्रीन शॉट लेकर के ना मेरे को टैग कर दें, और दुनिया भर के चक्कर में देखता नहीं उतना करके, तो आप एक टैग आज आप आज टैग कर देना मुझे, मैं इसके प्रोग्राम के बाद जाके देख लूंगा, ठीक है क्या मैं ये करना, फिर मैं आई विल गेट इन टच विद यू। तो जो वो लेक्चर करवाने के लिए बोलो, लेकिन एक उसमें एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी परमिशन मत मांगे, मैं अवेलेबल हूँ, आप लोग जहाँ लेक्चर करवाना है उनसे परमिशन लो पहले, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त मुझे फोन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो पहले मुझसे पूछे, मैं मत पूछा, मैं तो बोल चुका मैं अवेलेबल हूँ, मैंने बोला मैं भारत में कहीं भी आने को तैयार हूँ, आप वो मुझसे पूछ के फिर बात कर रहे हैं, ऊपर से ऊपर वाले मना कर देते हैं उनको, उनके जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन वाले
फिर यार मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आप पहले उनसे परमिशन लो, जो लोग जहाँ आपने ऑर्गेनाइज कराना है, जब वो आपको वर्बली बोले कि हाँ हम लोग ही करवाने को तैयार हैं, फिर आप मुझसे पूछो कि कैनो जी आप कौन से टाइम पे आना पसंद करेंगे। आपने मुझसे वो बात करनी, मैं आने को तैयार हूँ, भारत में कहीं भी होगा मैं आ जाऊँगा, विदेश में मैं अभी नहीं जाऊँगा, अभी कोविड के चक्कर में विदेश जाने का अभी सीन नहीं है, लेकिन विद इन इंडिया आप जहाँ मर्जी बोलेंगे, सिर्फ हमको डेट एडजस्ट करनी है। तो पहले आप अपने एंड से परमिशन लीजिए वर्बल कि यस हाँ हमें ये लेक्चर करवाना है, दी ओनली थिंग देन देन इज लेफ्ट इज टू टॉक टू मी अबाउट हाउ टू व्हेन टू कम। सर, पहला सवाल ये था कि मेरा जर्नी आपके साथ चालू हुआ जो बोस और डेड अलाइव जो सीरीज थी उसके साथ, तो उसमें जो आफ्टर प्लेन क्रैश टू मंचूरिया जाते हैं जो जर्नी दिखाया है, तो वो कुछ रियल फैक्ट्स पे बेस है या नहीं, वो उन्होंने कई उन्होंने उन्होंने सिनेमेटिक उन्होंने फ्रीडम काफ़ी लिया उसमें, तो वो सारा का सारा मेरे पे बेस्ड नहीं है, पूरा उन्होंने अपना दिमाग भी लगाया, तो ठीक है वो हिट होगी। उसका मुझे एक ही पॉइंट है, उसका एडवांटेज मुझे यह कि नेताजी को लेकर के बहुत से फिल्म विलम या चीज़ें बनी थी करके, लेकिन सारी फाइनेंशियली फेल हो गई, वो जाता नहीं, लोग सिनेमा हॉल में ऐसी फिल्में देखते नहीं किसी की, हिस्ट्री का ऐसे लोगों का इंटरेस्ट नहीं हमारे देश के अंदर। तो ये पहला बार एक वेंचर बना था जो फाइनेंशियली हिट हुआ था, और उसमें कि इतने अच्छा उन्होंने प्रोड्यूस की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, राजकुमार राव जैसा एक्टर उस कैलिबर का उसने एक्टिंग किया उसके अंदर आकर के, हिट हो गया, उसी बहाने यंग लोगों तक मैसेज पहुंच गया ऑल ओवर कंट्री में, दैट इज़ अ बेसिक टेक अवे फ्रॉम इट। बस ये उम्मीद थी कि उनका पूरा इरादा था इसका सेकेंड सीजन बनाने का, और सेकेंड सीजन में वो भगवंत जी को लाने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली फॉर वट एवर रीजन अभी वो सेकेंड सीजन का काम नहीं हो पाया। तो उसका बेसिक फायदा, लेकिन अगर आपको फैक्ट्स देखने हैं तो आप किताब पढ़िए, वो एक सिनेमा दिखाने का एक मजा देने के लिए, जिसमें आधी कहानी सच है और आधी कहानी जो क्रिएटिव लिबर्टीज लोग लेते हैं, वो क्रिएटिव लिबर्टी उसमें ली गई है, तो दैट्स हाउ इट इज। फैक्ट पढ़ने हैं तो किताब पढ़िए मानिए पूरे यस बुक सर, को, मेरे वो पास भी ये भी फैक्ट आपका बेस्ड है, वो भी फैक्ट बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिव लिबर्टीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोगों को पता नहीं होगा जो फिल्म आई थी रिचर्ड एटनबरो की महात्मा गांधी, उसको 8 ऑस्कर मिले थे, उसमें भी यस बहुत सी चीजें हैं जो एक्चुअल में नहीं हुई, तो वो लेकिन क्रिएटिव लिबर्टीज देना इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। फिल्म जब बनती है तो एक थोड़ी लिबर्टीज आदमी लेता है, उसको ड्रामेटाइज करता है चीज़ों को दिखाने के लिए, तो दैट्स दैट्स ओके। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो ट्रेजर है आईएनए का पूरा, तो उसके बारे में पूर्वी रॉय का एक वीडियो है, तो उसमें जो ह्यूग ट्रॉय है बोस हंटर बोलते थे उनको, तो उनके कुछ 70 उनके पास कुछ पेपर है आईएनए का ट्रेजर के बारे में, यार प्रॉब्लम तो विद्या, पता प्रॉब्लम क्या है इन लोगों के पास में, पूर्वी रॉय के पास में, पूर्वी रॉय मैडम 50 क्लेम करती है, उसके पास में ये कागज है, उसके पास में वो कागज है, उसके पास में ये कागज है, आप हमारी किताब उठाइए इंडिया बिगेस्ट कवर अप, जिस कागज की मैंने बात की है उस कागज की फोटो कॉपी वहां लगा रखी है। बराबर अगर हम कह रहे हैं कि गुमनामी बाबा की हैंड राइटिंग नेताजी से मैच करती है, तो आपको सैंपल दिखा दिए, आपको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट दिखा दी, पूर्वी पूरा मैडम कॉपी जो है ना, वो हाँ वो पूर्वी किताब मैडम बोलती है लेकिन कागज प्रोड्यूस नहीं करती है, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो उसके जाता है। बारे में। लेकिन 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 मेरा मानना है कि ओवरऑल जो उनकी कहानी गलत नहीं है, वो ठीक बोलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक वो डाटा प्रोड्यूस नहीं करेंगी हम उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते। उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला कि उनको ह्यू ट्रॉय ने कहा था उनको कि आईएनए का खजाना को लोगों ने बांटा है आपस में, तो उस तरह की बात तो बहुत जगह से आ रही है कि पंडित जी का नाम लोग ले रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने पंडित जी का नाम लिया, सुब्रमण्यम स्वामी वाज प्रॉब्ली मच मोर क्लोजर टू दैट थिंग, बिकॉज उन्होंने जो बातें बोली हैं उसमें से आधी बातें बेसिकली सच हैं। अब प्रॉब्लम की जड़ घूम फिर के ये आती है कि जब सरकार रिपोर्टें पब्लिक नहीं करती है, डिस्कशन डिबेट नहीं हो सकता इस इशू के ऊपर, तो आपके और मेरे जैसे लोग की तो लिमिटेशन बहुत कम है, हम लोग किताब लिख दिया, आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जो पूर्वी मैडम बोल रही हैं वो ठीक हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस कुछ खास नहीं है, क्योंकि तो वो पेपर हमारे पास में नहीं है, और ह्यू ट्रॉय ने मुखर्जी कमीशन में आया था, उसने कुछ नहीं बोला उसके सामने, वो चुप रहा, वो अपनी किताब के अंदर भी उसने ये बात नहीं मैंशन किया, उसने बोला उसको मालूम था ह्यू ट्रॉय वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन दी होल थिंग, ही मस्ट हैव बीन अवेयर, जो पूर्वी राय बोल रही हैं वो 60-70% करेक्ट होता, थोड़ी वो अपनी वो गप्पे मारती हैं गुमनामी बाबा वाले इशू को डॉज करने के लिए, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है उनसे, लेकिन लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी बहुत बड़ा एलिगेशन या बहुत बड़ी बात बोली जाए तो लोग उसका गवाह प्रूफ मांगते हैं कि प्रूफ क्या आपके पास में, तो हम लोग का यही चंद्रचूर का मेरा हम दोनों का यही अब तक का रहा है रिकॉर्ड रहा है,
कि हम लोग सबूत के हिसाब पे ही बोलते हैं, हम उसके बिना नहीं बोलते, और अगर सबूत नहीं है तो हम बोल देते कि हमारे पास सबूत नहीं है। तो वो हमने क्लियर डिस्टिंग्विश कर रखा है अपनी किताब में कि जिस चीज़ का प्रूफ है साफ मेंशन है कि इसका एविडेंस अवेलेबल है, और जिसका नहीं है उसका नहीं है। खजाने को चोरी किया गया ये कन्फर्म है, खजाने की लूट में पंडित जी का इंडायरेक्टली हाथ था ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। उनको मालूम था कि इन लोगों ने गड़बड़ करी है और उन लोगों उन्होंने कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, तो ये तो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। तो गुमनामी बाबा ने खजाने के बारे में कुछ बात की है किसी जो से, एग्जैक्टली क्या हुआ है हुआ? वही गुमनामी बाबा ने खजाने के बारे में यही बोला है कि वो जो लास्ट प्लेन क्रैश की जो फ्लाइट थी, उन्होंने कहा कि वो जो ट्रेजर था, पहली बात तो ट्रेजर अलग अलग चीज़ों में था, कुछ पैसा हाँ बैंकों में था, वो यहाँ था वो था, तो उन्होंने बोला एक गोपाल सिंह का नाम लिया, गोपाल सिंह थाईलैंड में चला गया और वो बहुत अमीर आदमी बन गया वहाँ पे, तो एक गोपाल सिंह का नाम लिया कि गोपाल सिंह जो INA बैंक का कुछ इंचार्ज विंचार्ज था कुछ वट एवर, एक तो उसको रगड़ा उन्होंने। दूसरा उन्होंने बोला कि मैंने ऐसे अय्यर को बोला था कि ये ट्रेजर लेकर के मेरे साथ मेरे पीछे पीछे रशिया में आना था, लेकिन वो रशिया में नहीं आया, वो ट्रेजर को लेके जापान के साथ चला गया और उन्होंने वहाँ पर लूट लिया उसको, और मूर्ति और बाकी लोगों ने पंडित जी को बहुत थोड़ा माल दिया उसमें से। तो वो एग्जैक्टली जो फाइलों में लिखा है मोटा मोटा उसी के हिसाब से वैसे ही उन्होंने बात बोली है, सिर्फ ये एडिशनल डिटेल दिए कि मैंने अय्यर को बोला था कि खजाना लेके मेरे पीछे पीछे रशिया में आना है, लेकिन वो आया नहीं, तो ये बात बोली। और उन्होंने गोपाल सिंह का नाम लिया, गोपाल सिंह वॉज दी थाईलैंड में चला गया और काफी अमीर आदमी हो गया थाईलैंड में जाकर के वो। तीसरा ये मेरा था कि जैसे हाँ एक मराठी मूवी है सावरकर के नाम पे, तो उसमें ऐसा दिखाया गया है कि सावरकर ने राजबिहारी बोस का लेटर सुभाष चंद्र बोस को दिया था कि आप INA कमान संभालिए या ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन वहां पे आप लीड कीजिए। तो जब गुमनामी बाबा इंडिया में आ गए तो उनका कुछ सावरकर के साथ कुछ कम्युनिकेशन है, कुछ रिकॉर्ड है, देखिए कुछ हमें गुमनामी मिला है? बाबा के बारे में सारी बातें नहीं पता, तो वो हमने साफ बोला कि, और इसीलिए पूरी कहानी करंट है, किन किन लोगों से मिलते थे, उनका संबंध गुरु गोलवालकर जी के साथ था ये दिखाई दे रहा है। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर गोलवालकर जी को मालूम है तो किन किन लोगों को उन्होंने आगे बताया होगा, तो गोलवालकर जी के तो मतलब कन्फर्मेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है दैट्स नंबर वन। अब सुनी सुनाई बात है, अब ये मैं कन्फर्म नहीं कर सकता, लेकिन सुनने में आया है कि बाला साहब देवरस को भी मालूम था, ठीक है, जो गोलवालकर जी के बाद संघ प्रमुख बने थे, पर वो मैं प्रूव नहीं करता, लेकिन हम हाँ गोलवालकर जी का तो हमारे पास में कुछ दिखाने के लिए, हमारे पास में छठा पत्र है दिखाने के लिए। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें सारी बातें नहीं मालूम, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक ही बार रेफरेंस गुमनामी बाबा ने सावरकर कर लिया था, उन्होंने बोला था कि उसका उस बात का क्लू क्यों उन्होंने सावरकर ने मुझे दिया था, बस ये बात बोली और कुछ नहीं, और भी बोला होगा बिकॉज वो दुनिया जहान भर की बातें भारत के विदेश के बारे में करा करते थे, तो करी होंगी उन्होंने, लेकिन हमें नहीं मालूम, मेरे पास उनके सारे कागज नहीं है। हाँ, क्योंकि अब आप सोचने वाली बात है कि अगर अपने गुरुजी के साथ उनका कांटेक्ट था और उनको बातचीत के बारे में उनका मालूम था, तो सोचने की बात है कि सावरकर जो 67 तक वहाँ पे थे तो उनको शायद पता था कि नहीं पता, और ये मुझे ये भी मालूम नहीं है कि गुरु, यस हाँ गुरु जी को मालूम था, गुरु जी को तो उन्होंने उनको बताया कि नहीं बताया, आई हैव नो क्लू अबाउट इट, क्योंकि हमारे पास में इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या कह सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मैं तो आपको वही बोलूंगा कि वो था, अगर मैं झूठ बोल दूं आपको कि गुमनामी बाबा ने कहा था तो फिर वो गलत, हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, जो जो नाम हमारे सामने आए हैं अगर वो हमारी पसंद के नहीं भी हैं हमने वो ली। गुमनामी बाबा ने नरसिम्हा राव की तारीफ की थी, इसका फ्यूचर ब्राइट है, अब जबकि वो कांग्रेस के आदमी थे, हाँ उनकी तारीफ की थी उन्होंने, तो इस तरह का कि जो जो है वो यही बोल सकते हैं जो हमारी नॉलेज में, तो हमारी नॉलेज में नहीं है, हो सकता है बोला हो पर भी पता नहीं, बाकी उनकी मीटिंग हुई थी सबको मालूम है, मैंने सावरकर जी पे स्टडी तो की नहीं अपनी कुछ। कनंडर में आपने एक रेफरेंस दिया है कि कनंडर में आपने एक रेफरेंस दिया है कि यशवंतराव चौहान का भी नाम दिया है गुमनामी बाबा ने, कि तीन की तारीफ तरफ तारीफ जो करी थी, उनको अब होप्स थे मुझे समझ कुछ। में नहीं आया कि वो क्यों तारीफ करें, वो तारीफ हाँ करिए, तारीफ उन्होंने की। तारीफ करिए कि वो उन्होंने वो कि वो गुमनामी बाबा ने अपने आप को बोला है कि मैं तीन मतलब तीन उनके आइडियल्स हैं जिनको फॉलो करते हैं, या उनकी एक तो उन्होंने उनका बोला अपना शिवाजी महाराज का बोला, दूसरा उन्होंने भीष्म पितामह का बोला, और तीसरा शकुनी, शकुनी को वो डिप्लोमेट मानते थे बहुत जबरदस्त शकुनी, तो वो कहते हैं कि इन तीनों की नीतियों जो इनकी उसकी धर्म नीति शिवाजी महाराज की धर्म नीति किताब में लिखा हम लोगों ने, और ओथ में मैं भीष्म की तरह हूँ और डिप्लोमेसी में मैं शकुनी की तरह हूँ, तो उन्होंने यशवंत राव चौहान के बारे में कहा था कि वो INA के में फेवरेबल है उसका व्यू नेताजी के बारे में INA के बारे में, और वो
बाय डिस्पोजिशन मराठा है, तो थोड़ा गुरिल्ला वारफेयर के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में तारीफ किया। यानी ही ऑल्सो हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर जनरल भोंसले जो आईएनए में था, उनका चीफ ऑफ कम वो था, स्टाफ था आईएनए का, मतलब आईएनए का लोगों को पता नहीं, सबसे मशहूर जो आईएनए का जो हम बोलते रहते आजाद हिंद फौज, उसका बेसिक आदमी, उसका मेन लीडर कौन था, मतलब मिलिट्री में टेक्निकली नेताजी थे लेकिन मिलिट्री लीडर उसका जेके भोंसले था। बट अब भोंसले का जो रिकॉर्ड हमारे सामने आया वो नेगेटिव, जो मेरे सामने रिकॉर्ड है उसका नेगेटिव है, क्योंकि उसने इंडिपेंडेंस के बाद में वो पंडित जी का मिनिस्टर बन गया था, लेकिन गुमनामी बाबा ने उसकी तारीफ करी है, तो हमारा उसमें उनमें क्लैश हो रहा है कि हमें उनके रिकॉर्ड उसका ठीक नजर नहीं आ रहा मुझे, लेकिन गुमनामी बाबा ने उसकी तारीफ करी है। हो सकता है उनकी वीकनेस हो, पसंद करते हैं उसको, क्योंकि हमें कॉन्टेक्ट और बीच में नजर नहीं आ रहा उनके आपस में कोई, बट एक ये भी चीज अपने आप में। तो why would he praise यशवंतराव चौहान, I don't know, but he praised him, मैं मेंशन कर दिया, क्योंकि यशवंतराव चौहान तो सिस्टम का आदमी था, वो तो कोई नेताजी के लिए कुछ किया हुआ या नहीं के लिए मुझे पता नहीं, बट आई डू नॉट नो इतने 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 इस बात के तार किसके कहां से क्या जुड़े हैं, और पर्सन कौन आदमी पब्लिक में क्या बोल रहा है, प्राइवेट में क्या कर रहा है, किसी को पता नहीं। आफ्टरऑल जो आपके सुपूर्णानंद जी थे जो मुख्यमंत्री थे यूपी के, उन्होंने पब्लिकली तो कभी कहा नहीं ना सुभाष बोस के बारे में अनटिल ही वाज आउट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, लेकिन चुपचाप से काम कर रहे थे उसके। तो लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स है ना, हो सकता है कि आप और मैं एक दूसरे को पब्लिक में नहीं जानते हो, लेकिन आप मेरी बहुत बड़ी मदद कर रहे हो प्राइवेटली, मेरे दोस्त करते हैं जिन लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है मेरे इशू को आगे ले जाने के लिए, वो लोग कभी फेसबुक पर आकर कमेंट नहीं डालते, कभी ट्विटर में मुझे पोस्ट नहीं करते। जो आदमी मुझे पूरे अमेरिका में घुमा गया, पूरे जिसने मेरा पूरा ट्रिप अमेरिका में लगाया, वो कभी कमेंट नहीं मारता, वो सिर्फ जब जाने का टाइम होता है, हाँ उसको मालूम सब देखता सब कुछ है, सब पढ़ता है, लेकिन जब उसको कि जाना होता है चल भैया फोन, तो ऐसा नहीं, तो कई लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। अब जिसने जिसने उसका नाम मैं भूल गया, आशीष था या आशुतोष था लड़के ने, जिसने मेरा टेक टॉक करवाया, मैंने पहला टेक नेताजी पे टेक टॉक मेरा है, मैं कल से मैंने दिया था आज से 8-10 साल, 5-7-8 साल पहले, तो वो जिंदगी में पहली और आखिरी बार मुझे तभी फोन किया था कि आप आओगे टेक टॉक, मैंने कहा जी आऊंगा, उसके बाद कभी हमारी बातचीत नहीं, मैं वहां मिला था उससे, लेकिन उसने एक टेट टॉक मेरा करवा दिया। तो कई लोग हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, उसने बहुत बड़ी मदद करी, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मदद की है, और कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं ज्यादातर कलकत्ता में हैं, उस साइड पे हैं, कि वो मदद करते हैं लेकिन वो पब्लिकली कभी सामने नहीं आते, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे दोस्त हैं वो प्राइवेटली मेरी बहुत मदद करते हैं, लेकिन पब्लिकली वो कुछ नहीं बोलते, कोई कमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन दे आर डूइंग एवरीथिंग। सो यू नेवर नो हाउ कैन वी नो हाउ कैन, की लाइफ जो है ना बड़े अलग अलग लेवल पे चलती है, क्योंकि गुमनामी बाबा ने ये बात बोली है ना कि मेरा सिस्टम के अंदर मेरे आदमी बैठे हुए, तो ये चीज ठीक है। चलो बहुत हो गया फिर, हाँ हम लोग अड्डे बैठते रहेंगे यार, तो कोई पहली बार तो नहीं हो रहा, बाबर होगा, मैं ऑलमोस्ट कोशिश करूंगा रोज एक अड्डा मारूंगा बैठ करके, टाइम कम करो, आज संडे तो शायद 2 घंटा लगा लूंगा, नहीं तो नॉर्मली 1 घंटा बहुत होता है, और कोशिश करूंगा कि अलग अलग लोगों से बातचीत करूँ ताकि हर एक का पर्सपेक्टिव मिले, है ना। तो चलो आपसे बाद में बात होगी, ठीक है। हाय संदीप, हाय नमस्ते, बताइए आपका, बस आपको पता है सुबह बात आपसे हुई थी आप मेरी, तो बिल्कुल बिल्कुल अपने दो और ऑलरेडी पहले बात हो चुकी है। बस सर मैं तो आपको यही कहने के लिए फोन, मतलब अभी बात कर रहा था कि मेरी ट्रायल चल रही है 3-4 जगह पे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल टॉक्स हो, मतलब एक जगह टॉक होकर फिर बात। हाँ, वो एक्चुअली मैंने किसी और ने मुझे ऑफर किया था, मुझे किसी ने मुझे कलकत्ता से फोन किया, अच्छा कुछ कर रहा था कि मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आऊँ, तो फिर उसने मुझे बोला कि वहाँ पे अलग अलग कैंपस है, मैंने कहा आपका मैं गेस्ट हूँ आप मुझे बुलाइए, जैसे हमारे दिल्ली के अंदर हमारे साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस उसमें अलग अलग कॉलेजेस हैं बहुत सारे, और एक दिन में एक कॉलेज बहुत है, आप मैंने कहा आप मुझे 6 दिन बिठा के वहाँ, और खासकर कलकत्ता तो वैसे ही बहुत खुशी से मैं रहूंगा, कहीं भी रहूंगा लेकिन वहाँ ज्यादा अटैचमेंट है मुझे उससे, हाँ लेकिन है कि वो तो ऑब्वियसली आप एक दिन में एक टॉक में करने को राजी हो कहीं पे भी, और अगर कोई भी चाहता कि नहीं आपको 2 करनी है तो आप, मैंने करी है पहले 2 दिन 1, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एब्सोल्युटली ओके।
और आप ओके पहले अप्रूवल लीजिए उसके बाद मुझसे बात कीजिए। मतलब मैं तो सर आपको बेसिकली क्या 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 चीज चाहिए होगी सामने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं आपको बताता हूँ मेरे को क्या चीज चाहिए होगी, क्या बेयर मिनिमम क्या चीज है। पहली चीज तो ये कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई मुझे चाहता है कि मैं आके लेक्चर दूं जोधपुर में, तो ऑब्वियसली आपको मुझे आना ले जाना पड़ेगा, आना जाना, ठीक है। मेरे को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड नहीं दे रखी ना इसको ऊपर पोकट करने, सही बात है, सही बात है, ठीक है जी। और ना मैं चेतन भगत हूँ कि मेरा बैठ के मेरी 2 लाख किताबें बिकती हैं हर महीने में, और होती भी तो अभी चेतन भगत फ्री में नहीं आएगा, वो पैसे लेगा आपसे बहुत जबरदस्त, ठीक है। एनी हो तो मुझे आने जाने का इंतजाम होगा, ठीक है। दूसरा ये कि आपके पास में एक एक डिसेंट जगह हो ऑडिटोरियम जहाँ पे, क्योंकि मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देता हूँ। दो तरह के हॉल होते हैं, कुछ हॉल ऐसे होते हैं जहाँ पे आप नाच गाने के प्रोग्राम कर सकते हैं, जहाँ आवाज गूंजती है। दीज हॉल्स आर नॉट गुड फॉर दीज काइंड ऑफ लेक्चर्स। लेक्चर्स में क्या होता है कि आपको आपकी साउंड जो बोल रहा हूँ वो समझ में आया बिल्कुल क्लियर आपको। तो जो ऑडिटोरियम होता है, और यूजली आपके कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज के ऑडिटोरियम बिल्कुल ठीक होते हैं, या इवन जनरल ऑडिटोरियम जहाँ पे स्पीचेस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं। पावर पॉइंट इज वेरी स्मॉल थिंग, प्रोजेक्टर मिल जाते हैं 500 रुपए के, और लैपटॉप हर के घर में होता है, मैं अपनी पेन ड्राइव लेकर आ जाता हूँ, ठीक है जी। ऑडियो शॉडियो दीज थिंग्स आर वेरी स्मॉल थिंग्स, ओनली थिंग की हॉल शुड बी ओके, नंबर वन। नंबर टू, मेरे को रहने का डिसेंट इंतजाम होना चाहिए। मैं आपको ये इंटरेस्ट नहीं कर रहा कि मुझे 5 स्टार होटल में ठहराओ, लेकिन ऑब्वियसली मेरे को 3rd क्लास में मत ठहराना, तो बीच में कहीं ओके। यूजली मेरा मानना है कि यूनिवर्सिटीज के जो गेस्ट हाउस होते हैं यूनिवर्सिटीज के, वो दीज आर डिसेंट, दैट गुड इनफ नाउ, ठीक है। बस ये आने जाने का, रहने का इंतजाम, लॉजिंग करनी है आपने, मुझे ध्यान रखना है मेरा वहाँ पे करके, और उसके ऊपर से मैं इंसिस्ट नहीं करता, ना मेरी कोई डिमांड है कि आप मुझे रेनोवेशन देंगे कुछ करके, okay। लेकिन अगर कुछ दोगे तो मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को जरूरत है पैसे की, खासकर अब। बट वो प्री कंडीशन नहीं, दैट इज नॉट अ प्री कंडीशन एंड दैट इज नॉट एन आई डोंट स्पेसिफाई। जो बनता है दे दोगे ठीक है, नहीं दोगे कोई बात नहीं, लोग नहीं देते कोई बात, बट आपको मेरे को इंतजाम मेरे रहने वहने का, क्योंकि मैं अपना टाइम खराब करके वहाँ पे आ रहा हूँ, तो आपको मुझे रहने वाने का इंतजाम हो सब। दीज आर द बेसिक थिंग्स इनफैक्ट। और किसी भी शहर में, बड़े शहर के अंदर आप देखेंगे तो लोग लेक्चर देने आते हैं, और उनके लेक्चर को सुनने के लिए 5 आदमी आते हैं, लेकिन उस पर पैसा खर्च किया जाता है, उनको 5 स्टार में ठहराया जाता है, उन पर पैसे खर्च किए जाते हैं, फिर ऊपर से वो फीस झाड़ के जाते हैं। जितने भी लोग महात्मा गांधी पे लेक्चर दे रहे हैं, कोई फ्री में नहीं आता, सब पैसा लेके आते हैं। गांधीवादी ज्यादातर स्कॉलर्स गरीब नहीं है, आपने नोट किया होगा, अच्छा नोट है जेएमएन के लोग में, अच्छा इस मामले में बहुत चालू ये लोग, तो उसमें बस वही मोटा मोटा ये है। अब कोई ये उम्मीद लगा के बैठे कि भैया कि मैं मतलब कि लेक्चर में ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ, आप आ जाएंगे आज यहाँ पे शाम को भोपाल में, तो मेरे को तो भैया मोदी जी ने तो मेरे को फंड नहीं दे रखा ना आने के लिए भोपाल, भोपाल में मैं कैसे आऊंगा दिल्ली शॉर्ट करके। जितना मेरे आने जाने में खर्चा लगेगा उतने की तो मेरी रॉयल्टी निकल जाएगी मेरी किताब की पूरे 2 महीने की। तो दैट इज सो, जैसे और लोग के लेक्चर्स होते वैसे भी लेक्चर्स होंगे, आप किसी का भी लेक्चर करवाएंगे तो आप पूरे सिस्टम बनाएंगे ना, आप इंतजाम करेंगे, रहने का इंतजाम करेंगे, आने जाने का इंतजाम करेंगे। तो इस यूजली किसी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में और यूनिवर्सिटीज में ये काम करने के फंड्स होते हैं, और यूनिवर्सिटी को सबसे बढ़िया रहता है कि यूनिवर्सिटीज का अपना हॉल होता है, ओके, उनका अपना गेस्ट हाउस होता है, ठीक है। मुझे भी बड़ा मजा आता है कैंपस में रहने में, कैंपस में रह करके स्टूडेंट से बात करने में बड़ा आनंद आता है, इवन प्रोग्राम से पहले प्रोग्राम के बाद। तीसरा okay. उनका ऑडियंस जो है उनकी 100% आती है, क्योंकि आपको पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने ईमेल डाल दिया सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो सबसे बढ़िया सिस्टम जो होता है किसी भी एजुकेशनल सिस्टम में होता है कि आप उसमें जाइए आपको सारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने शहर में करना है और कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऑलरेडी लेक्चर्स होते आए हों पहले, उनके ऑलरेडी नेटवर्क उनका होता है, और या फिर फोर्थ ऑप्शन ये कि लोग क्या करते हैं कि लोग अपना क्या नाम है अपना पब्लिसिटी करते हैं। इनफैक्ट मुझे कई बार मेरे प्रोग्राम पे बहुत लोगों ने पैसा खर्च किया, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए हैं शहरों के अंदर, ओके, और होर्डिंग लगवाए और पूरा शहर आ गया सुनने के लिए, ऐसा भी होता है। अच्छा, लेकिन सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज वगैरह में रहता है, और अगर वो ना हो तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है कर सकती हूँ, करेंगे। बहुत से इस देश में बहुत संवाद होने की बहुत बड़ा स्कोप है यार, लोग डिस्कशन होते हैं, किसी भी आप चले जाइए किसी भी शहर में लेक्चर वेक्चर होते रहते हैं। समझ गए। ये चीज है कि जो सोशल कोई भी, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात की थी, तो बस वहाँ पे ये दो चीजें होनी चाहिए कि आवाज इको नहीं होनी चाहिए, और दूसरा
कंप्यूटर और उस सारी चीजों पर वो तो ये कंप्यूटर वगैरह तो बहुत छोटी चीज है, बट ऑब्वियसली ना अगर साउंड सिस्टम बेकार है और तो फिर क्या बात क्या करूंगा फिर मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ जो मैं बातचीत कर रहा हूँ आपको समझ में आनी चाहिए बोल क्या रहा हूँ, और अगर आपका जो ऑडियो सिस्टम है वो ट्यून किया गया अकॉर्डिंग टू सॉन्ग्स एंड डांस शोज जिसमें नाचने गाने के लिए डीजे का जो प्रोग्राम होता है उसमें फिर आपको आपकी आवाज गूंजना शुरू हो जाएगी ना, वो तो एको होती है उसमें आपको समझ नहीं आएगी बोल क्या रहा है। सही बात। तो साउंड सिस्टम सर एक लास्ट चीज पूछना चाह रहा था, कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कॉलेज वगैरह है उनसे आपको क्या मेल चाहिए होगा एक तरह से? अब कोई भी बुलाएगा तो मुझे एक मेल तो भेजेगा, कोई इनविटेशन भेजेगा, कुछ तो करेगा ऑब्वियसली। तो मतलब कंफर्मेशन के लिए आपसे एक मेल चाहिए होगा? नहीं, मेल का मतलब देखो जैसे कई बार जैसे मैंने आईआईटीज में क्या हूं तो मुझे आईआईटीज ने नहीं बुलाया, मुझे आईआईटी के स्टूडेंट्स ने बुलाया था। सही है, वो बुलाते हैं, फोटो वोटो भेज देते हैं यहाँ के ये होगा वो होगा, वो बात करने से मालूम चल जाता है, और कन्फर्मेशन मुझे तब होगा जब मेरे को जहाज की टिकटें मेरे हाथ में आएंगी। ओके। वर्बल मैं नहीं मानता कि वर्बली क्या दिया हम आपको बुलाएंगे, जो बुलाएंगे जिस दिन टिकट आएगी तब बात करेंगे, जिस दिन टिकट मेरे पास पहुंच जाएगी देन आई गेट अ गुड फीलिंग कि यस ये पर्सन जनरल है। जब तक टिकट मेरे पास में तब तक मेरा कोई मैं अपना डे ब्लॉक भी नहीं करता, मैं जिस दिन मेरे पास में टिकट आएगी मैं उस दिन से डे ब्लॉक करूंगा। बाकी जब कोई आपको अप्रोच करता है आपको मालूम चल जाता है कि ये जेन्युइन आदमी है कि नहीं है, और तो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि कोई यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हो लेकिन वो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी का नहीं है वो स्टूडेंट्स का हो, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे वो स्टूडेंट मेल लिखेगा मुझे कि सर आपको हमने लेक्चर के लिए बुलाना है, बात कर रहा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप मुझे यूनिवर्सिटी के ऑफिस से मेल करवाओ प्रिंसिपल से, ऐसा कुछ नहीं, वो सब नहीं, दैट इज नॉट द केस। वो मालूम सर आपका ईमेल आईडी जिस दिन प्रोग्राम की बात हो जाएगी ना वो सब मिल जाएगा, वो कोई टेंशन नहीं, आप पहले एग्रीमेंट तो करवाओ। ठीक है, आपसे मेरी बातचीत हो गई सुबह, अभी तो मैं एक सेकंड में बात कर रहा हूँ लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपने जो 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 बात करना चाहेगा लेक्चर को बुलाने आएगा, लोग तो मुझे अमेरिका में कोनों कोनों में ले गए, आप तो राजस्थान की बात कर रहे हो यार, मैं खुशी से आऊंगा, कोई टेंशन नहीं, आप पहले कन्फर्म तो करो। ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ, आप पहले अपने जहाँ जिसने भी ऑर्गेनाइज करवाना है पहले वहां से गो हेड ले, फिर मुझे बोले कि कौन सी तारीख को आपको सूट करेगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक, चलो थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। हां जी, हां अनिबन, हाय, नमस्ते। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? ओह या, वेरी, यू आर वेरी क्लियर एक्चुअली। नहीं, वो सभी नॉट ओनली योर ऑडिबल, योर साउंड इज वेरी क्लियर बिकॉज़ ऑफ दिस हेडफोन, एक्चुअली इट्स अ गेमिंग हेडफोन। सो यार, आई हैव, व्हिच हेडफोन डू यू हैव? It is Cosmic Byte. It's not very expensive. It's like 1000 rupees. अरे यार, यही मैं यही हम लोगों ने पता लगाया है कि बहुत एक्सपेंसिव काम नहीं कर रहे हैं, और कैसा कोई भी माइक्रोफोन जो आपके मुंह के पास हो काफी, जैसे कि मैंने ये लगा रखा है कॉन्ट्रैप्शन यहाँ पे, वो उससे आवाज क्लियर आती है, लेकिन जो हाई एंड आप ले रहे हैं करके, मेरे पास एक हाई एंड है माइक्रोफोन, अच्छा, उसकी आवाज वो नहीं आ रही, आवाज बहुत खराब हो रही है। लेकिन पता नहीं, ये गेमिंग हेडफोन है विद, तो वो ये मैंने कई लोगों ने कहा, इवन ये तो गेमिंग वाला है, वो जो लोगों ने छोटे छोटे लगा रखे होते हैं वो बहुत क्लियर साउंड आ रही है। अच्छा, वो आईपैड आईफोन के लगा रहे हैं तो वो आवाज नहीं आ रहा उसमें से, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा किसमें क्या फिट हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये सिस्टम भी कि मैंने गले में लगा इसको टांग लिया और यहाँ मैंने इसको बिल्कुल अपने मुँह के पास रखा ताकि मेरी साउंड जो है क्लियर है। आपकी साउंड काफी क्लियर है, बताइए। तो मैं तो वो दमदम एरिया से हूँ। हाँ, दमदम इज इन कलकत्ता। हाँ, कलकत्ता। जिन लोगों को नहीं पता, कलकत्ता में दमदम का इलाका थोड़ा आउटस्कर्ट में पड़ता है मेन शहर के, और वहाँ का जो एयरपोर्ट बनाया था अंग्रेजों ने, दमदम एयरपोर्ट कहते थे उसको, तो दमदम एयरपोर्ट का नाम 97 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट जब आई थी, और उस टाइम पे नेताजी के 100 साल हुए थे पूरे, तो एक हवा चली तो उसमें इसका नाम उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट बना दिया। ओह, ये तो मुझे पता नहीं था, पहले सिर्फ दमदम एयरपोर्ट ही था। दमदम बोलते थे उसको, वो नरसिम्हा राव के टाइम पे, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी हो गई थी नेताजी की डेथ को लेकर के, तो उसको कुछ पता नहीं दबाने के लिए, या फिर नरसिम्हा राव थोड़ा सा चाहता था कि नेहरू गांधी से उनकी थोड़ी टेंशन चल रही थी, तो सुभाष बोस का नाम थोड़ा सा प्रमोट कर रहा था करके, तो उस माहौल में ये डिसीजन लिया गया था कि इस एयरपोर्ट का नाम जो है नेताजी के नाम पर रखा है, 97 के आसपास रखा था। और हमारा अगले साल अब जो है 125 साल सुभाष बोस का है, देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि 125 अभी हैं, अभी इस अगले साल है, इस साल नहीं थे, नहीं वो पीछे आए थे कलकत्ता में, अच्छा प्रोग्राम हुआ, लेकिन 125 साल अगले साल, वो विक्टोरिया मेमोरियल में भी उसका वो एग्जीबिशन चल रहा है। हाँ, वो ठीक है, वो सब अच्छा है,
लेकिन मैंने कहा कि और क्या स्टेप लेंगे, लेकिन 125th जो है उनका वो अगले साल होगा 23 जनवरी। लेकिन वो जो कमेटी बनाया है उस कमेटी का तो एक भी मीटिंग नहीं हुआ। चंद्रचूर और मैं और मेरे बाकी दोस्त मिशन नेताजी वाले, हम जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एक्टिविटी धीरे 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 बढ़ेंगी और हम अगले साल को पूरा यूज करना चाहते हैं, और कोविड खत्म होने के बाद हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी बात जो बोल रहे थे पहले और जो बात पीछे बंद हो गई उसको फिर से रिज्यूम करें, डिस्कशन रिज्यूम करें ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो हमारा पूरा एफर्ट उसके हिसाब से चलेगा। अच्छा अच्छा सर, मैंने वो आपका जो किताब है इंडियाज़ बिगेस्ट कवर अप वो कुछ ही दिन पहले ख़त्म किया, तो पढ़ के तो बहुत मज़ा आया। वो किताब 2011 की लिखी हुई है, अभी हो गया 2021, 10 साल हो गए। हाँ, तो मैं एक एक करके पढ़ूंगा, तो मैं पहले कोनानड्रम नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बहुत आगे उसके मुकाबले, और कोनानड्रम का बांग्ला वर्षन के लिए भी वेट कर रहा हूँ। हाँ, बांग्ला वर्षन उसका साल अगले इस साल जनवरी में तक आएगा। अच्छा, तो सर मेरा सवाल यह है कि वो हबीबुर रहमान जो था वो तो पता है अपने सुप्रीम कमांडर का जो ऑर्डर्स है वो फॉलो कर रहा था, लेकिन उसका जो और जो क्लोज एसोसिएट जो थे जैसे कि अबिद हसन या फिर प्रीतम सिंह, गुलजार सिंह, ये लोग कभी अपना मुंह क्यों नहीं खोले कि हम लोगों के पास, उन लोगों के पास कोई भी को इंफॉर्मेशन नहीं था कि वो रशिया जाने वाले हैं ऐसा कुछ? नहीं, मेरे ख्याल से गुलजारा ने तो हिंट किया कि वो रशिया जाने का प्लान था उनका। अच्छा, और गुलजारा के मेरे ख्याल से पोते या लड़के हैं, मतलब वो अच्छा। तो कह रहे कि वो बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, आबिद हसन अच्छा। ने तो इनफैक्ट वो मैंने किताब में कोट किया, हमारे बिगेस्ट कवर अप में आबिद हसन ने एक बहुत अच्छी बात बोली, और ये उसने बात बोली कोस्टा कमीशन के सामने। अच्छा। उसमें उन्होंने कोस्टा कमीशन के सामने ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये बात बोली कि वो प्लेन क्रैश हुआ था कि नहीं हुआ था, इसको जानने के लिए हबीबुर रहमान का कोई इज नॉट द पर्सन। अच्छा, उसका बोलने का मोटिव ये था कि हबीबुर रहमान नहीं बताया। नहीं, अगर उसको, अगर ये अजम्पशन है कि उसको बोला गया है कि अपना मुंह बंद रख, तो वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसने अपना खुद का एग्जांपल बाद में दिया था कि अबिद हसन ने भी कभी किसी को नहीं बताया कि वो जर्नी के टाइम पे क्या हुआ था ना उधर। तो मतलब कि वो तो बात बहुत ही कम लोग हैं अंदर। दूसरा ये बात भी हो गई थी कि बहुत कम थी, दूसरा ये भी हुआ था कि पीपल लाइक अबिद हसन, सफरानी एटसेट्रा, दे बिकेम पार्ट ऑफ द न्यू गवर्नमेंट। तो उसके बाद भी फिर वो चुप हो गए थे। तो अबिद हसन ने कभी नेताजी की बहुत बात करी नहीं। अच्छा, तो इन अ सेंस यू कैन से दैट ही बिट्रेड हिम इनडायरेक्टली। एनीबॉडी हु वाज पार्ट ऑफ द नेहरू गवर्नमेंट, क्वेश्चन ऑफ गुमनामी बाबा गेटिंग इन टच विद हिम डज नॉट इवन अराइज। हल्का सा कंटेमिनेशन हुआ, अगर किसी ने इनफैक्ट पवित्र मोहन रॉय जो बड़ी गरीबी में था, उसको जब ताम्र पत्र मिला फ्रीडम फाइटर का और थोड़ी सी पेंशन उसको मिली थी, वो उस बात से भगवंत जी नाराज हो गए थे उसको। मतलब ही डिड नॉट वांट एनीबॉडी टू हैव एनी कनेक्शन विद द कनेक्शन नेहरू पार्टी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही वाज सो टची अबाउट इट। तो ये तो गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए थे, ये तो एम्बेसडर था, और जिनकी पर सुभाष बोस का इसने नाम ले लिया इन लोगों ने। गुलजार सिंह तो आर्मी ज्वाइन कर गया था छोटा पोस्ट रैंक लेकर। प्रीतम सिंह शायद वो खोसला कमीशन को हेल्प किया था। वो प्रीतम सिंह का क्लियर था, प्रीतम सिंह नेवर जॉइंड, और प्रीतम सिंह तो साफ बोला है, प्रीतम सिंह बोला है, और आपका वो तो उधर ही रह गया था ना। भास्कर मैंने नहीं, प्रीतम सिंह ही था कि यहाँ देहरादून में मरा, देहरादून में उनके डेथ हो गया 2010 में। और भास्कर मेनन, प्रीतम सिंह, ये लोग तो आखिरी टाइम तक बोलते रहे कि वो रशिया चले गए, पंडित जी को उल्टा सीधा बोल के गए वो लोग। अच्छा, साफ बोले। और सर मेरा वो दूसरा सवाल ये है कि वो एक जज है ना, रिटायर्ड जज, वो सब उल्टा पुल्टा वो बोलते रहता है, मार्कंडेय कटजू है जो। हाँ। उसने बोला था कि आप कभी ऐसा बोला है कि जापान कभी हम लोगों के ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि ये लैंड ऑफ बुद्धा है, वो लोग बुद्धिस्ट कंट्री है। तो आपके किताब में मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला, तो मुझे नहीं पता कि आप कभी ऐसे कोई स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया में क्यों नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिगेस्ट कवर में आपने बोला है कि अगर वो इंडिया तो बुद्धा का लैंड है तो कनेक्शन बहुत अच्छा होगा जापान के साथ, ऐसा ही कुछ। मैं नहीं कह रहा, वो मैंने हमारे विदेश मंत्रालय को कोट किया भारत के। अच्छा। और वो भी कब, जब इंदिरा कांग्रेस पार्टी पावर थी। ये मैं नहीं कोट कर रहा, ये मैंने कोटेशन दी है जो भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी कोटेशन दी है, और वो भी तब दी है जब कांग्रेस पार्टी पावर थी, कि भगवान बुद्ध की
जन्मस्थली होने के कारण भारत के इमेज जो है बंगाल फर्क पड़ता है उससे, नंबर एक। नंबर दो, जापान हमको अटैक करेगा ये किसने बोला? ये तो अंग्रेजों ने कहा था। जापानी सीधे कभी प्लान नहीं कि इंडिया पर अटैक करेंगे, किसने प्लान बनाया, कौन सी प्लान थी मुझे बताइए, कब तोजो ने कब बोला अटैक करने के लिए, 1942 के बाद सुभाष बोस के वहाँ पहुँचने के बाद में? हाँ हाँ बात भी है, वो उन लोगों का तो चीन के साथ झगड़ा था, उनमें हम लोगों को तो बीच में आने की कोई जरूरत नहीं, हम लोगों का नेशनल इंटरेस्ट है कि इसको हमें बीच में आने की, हमको बीमारी है कि अपने खाने को पेट में रोटी नहीं है, दूसरे को जाकर उंगलियां करते हैं सुबह शाम बैठ के, कि उधर भी हर जगह चौधरी बनते फिरते हैं कि हमको ये भी सोल्यूशन देना है, वो भी सोल्यूशन देना है। जैसे अभी हमारा प्रधानमंत्री जाके बोलता रहता है यूनाइटेड नेशन में कि हमारे को दुनिया को शांति का पाठ हम पढ़ाएंगे। अरे भैया, दुनिया का शांति पाठ को छोड़ दे, चाइना वाले वहाँ उस पर कंसंट्रेशन कर देगा और हमारी शामत आने वाली है वहाँ पर, चाइना वाले हमको रगड़ा देंगे मेरे को लग रहा है, उसे फोकस करो। दुनिया की शांति करने के लिए जो बाइडन बैठा हुआ है, शांति की चिंता छोड़ दो अमेरिकन के ऊपर, वो करेंगे शांति दुनिया में कैसे लाई जाएगी, आप लोग पहले अपने को बताओ। तो ये हमारे लोगों को आदत है इस तरह की बड़ी बड़ी डींगे मारने की, बड़ी नहीं, बड़ी बहुत बहुत सारे लोग हैं अभी भी बोलते हैं कि वो अगर बंगाल कलकत्ता में बहुत से हैं वो जेयू के अंदर बैठ के, उनको अभी पकड़ दो, दुनिया जहान भर की आपको बातें करने के लिए वो सड़कों पर निकल आएंगे साहब की ये बड़ा खराब हो रहा है, वो बड़ा खराब हो रहा है। अपनी चिंता करो कि आपकी इकोनॉमी क्यों खराब हो रही है, वहाँ इंडस्ट्री आनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये पहले चौधरी बने पड़े दुनिया भर के, दुनिया में क्या होता क्या नहीं होता, भैया पहले अपनी कंट्री की चिंता करो, ठीक है ना जी। तो मुझे बहुत दुख होता है कि बहुत 43 के बाद में जापान का भारत से कोई, जब नेताजी वहां पहुंचे उनकी कोई प्लान कभी नहीं थी हमारे पे अटैक करने की 43 के बाद में। ये स्टैंडर्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रोपेगेंडा है जो जस्टिस कार्डजू बैठ करके कैलिफोर्निया में रहते हैं, मेरे ख्याल से वो अमेरिका में रहते हैं अपने बच्चे के पास, तो बैठ के वहां से बोलते रहते हैं। हाँ, वो यहां रहता भी नहीं, वो अमेरिका में रहता है, तो वहां पे जो उनकी दुनिया के सबसे जो चलती कहानी है वो सुनाता रहता है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रोपेगेंडा है, जापान का कोई प्लान नहीं था हमारे पे अटैक करने का 43 के बाद में। ये बात सर, और ठीक है सर, समझा ये कनंडरम में डिटेल में, ये इंडिया बिगेस्ट करप्ट, पूरी कहानी मैंने पूरे डिटेल में डॉक्यूमेंट दे देके समझाई है कि वो एक तो चैप्टर ही है उसमें, पूरा चैप्टर दे रखा कि ऐसे ऐसे ना, किसने बोला कि जापान की प्लानिंग, जापान ने कभी हमारे को ऐसा नहीं बोला, जापान ने कभी नहीं बोला, ये बेकार की झूठी कहानियां बैठ के सेकंड वर्ल्ड वॉर की, क्योंकि वो लड़ाई हार गए सारा। नहीं, बहुत पंडित है जो बोलते रहते हैं, मुझे बहुत दुख होता है कि बोलते हैं अगर सुभाष बोस अगर वो सक्सेसफुल हो जाते तो हम लोग जापान के अंडर आ जाते थे, ब्रिटिश को छोड़ के जापान के कॉलोनी बन जाते थे। उसका मैंने आंसर दिया अपने कनंड्रम के अंदर कि अगर हम गांधी के दिखाए रास्ते पे चलेंगे ना जो बताया गया तो हमारा देश ही खत्म हो जाएगा 4 दिन के अंदर। सुभाष बोस में अगर आप जापान ऑक्यूपाई भी कर लेगा मान लिया जाए इस बात को, तो लड़ने के चांसेस आपके पास में, आप लड़ सकते हो, लेकिन जो गांधी के दिखाए रास्ते पे चलोगे आपका देश खत्म हो जाएगा। चलो, किसने रोका? तो ठीक है सर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मेरा जस्ट लास्ट में एक ही सजेशन है। सो वो सजेशन ये है कि जो भी यहाँ पर बात करे तो थोड़ा शॉर्ट या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में रखे कि बहुत सारे लोग वेटिंग में रहते हैं, तो मुझे भी काम करना लगता है। चलो ठीक है, चलो नमस्ते, बाय बाय। किशोर जी, केजरीवाल जी नमस्ते, किशोर जी नमस्ते, कहाँ पर आप अपने आप को वो करें? नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते सर, मैं पहले पश्चिम बंगाल से हूँ। पश्चिम बंगाल में कहाँ से? जी सर, एक डिस्ट्रिक्ट है बांकुरा जो कि वेस्टर्न पार्ट में है। बांकुरा में? अच्छा जी, बांकुरा। मैं वैसे राजस्थान को बिलोंग करता हूँ। अच्छा हाँ, ओके। राजस्थान में कहाँ से बिलोंग करते? पीछे से आपके पुरखे आए होंगे? जी सर, एक डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू। झुंझुनू के बहुत लोग वहाँ पहुंचे। एक हमारे लक्ष्मी निवास झुंझुनू वाला जी हैं। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। एक हमारे वो है लक्ष्मी निवास झुंझुनू वाला जी, बाबूजी बोलते हैं उनको, अभी तो बहुत साल से नहीं मिले। जी, तो जी। आपके काफी बड़ी बड़े अपने सेल्फ मेड बिलियनर हैं, वो बहुत सी कंपनियों के मालिक हैं, मयूर शूटिंग सेटिंग। बाबूजी को काफी, हाँ हाँ, बाबूजी को सुभाष बोस में काफी इंटरेस्ट है, तो काफी हमसे बात किया करते थे बीच में करके। तो काफी लोग वहाँ पे जो अभी बंगाल है वहाँ पे राजस्थान से आए हैं पहले के जमाने में, और झुंझुनू के तो काफी जी, हमारे यहाँ बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बड़ी कम्युनिटी, ट्रेडिंग वेडिंग करने के लिए यहाँ से निकले हुए। इनफैक्ट मेरे कोई जानने वाले थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई मेरी बीच में, तो वो लोग मद्रास में सेटल्ड है, लेकिन वो सब राजस्थान से गए हुए हैं वहाँ पे काम करने के लिए, ट्रेडिंग मतलब
वहां रहते हैं अच्छे 100 साल से आसपास से, लेकिन अपना पूरा कल्चर वल्चर पूरा ड्रेस वेस उनकी पूरी जो है ना राजस्थान वाली है वहां पे वो चेंज जी। सेम, मैं भी फोर्थ जनरेशन हूँ यहाँ पे। वैसे मैं लखनऊ में 2 साल था, मैंने आपकी दोनों बुक पढ़ी है कनंड, मैंने एक्चुअली तीनों बुक पढ़ी है, कनंड्रम और आवर प्राइम मिनिस्टर इज डेड और इंडियाज बिगेस्ट कवर अप। सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड बहुत सारी क्लासिफाइड फाइल्स आज के डेट में डिक्लासिफाई हो रही है, रसिया या यूएस यूके डिक्लासिफाई कर रहा है, जैसे अभी एक फाइल डिक्लासिफाई हुई है तो हमें पता चला कि रशिया ने अभी नहीं किया। रशिया का जो मैंने पढ़ा था आज से कम 2-4 साल पहले, रशिया का जो डीक्लासिफिकेशन प्रोसेस है वो मेरे ख्याल से अभी 1921 तक पहुंचा है, तो रशिया ने अभी तक अच्छा जो प्रॉपर डीक्लासिफिकेशन नहीं किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फाइलों को अभी तक। अच्छा तो मे भी हो सकता है कि लेकिन उनका उनका डीक्लासिफिकेशन प्रोसेस जो है अभी वो 2021 तक अटका हुआ है, ये जहां तक मेरे को समझ में आया था। तो आई थिंक ये फिर यूके कैनेड से हुआ होगा। इंग्लैंड और अमेरिका ने काफी फाइलें पब्लिक करी, इंग्लैंड अमेरिका जर्मनी जी ऑस्ट्रेलिया, इसमें बहुत फाइल निकली है जी। तो फाइल जैसे एक नहीं हुई है ये मुझे पता नहीं है, अगर कोई ऐसा डेटा है तो मुझे पता नहीं कि कितनी फाइल पब्लिक नहीं हुई है। तो मैं बस यही पूछना चाहता था, जैसे एक फाइल अभी डिक्लासिफाई हुई है जिसमें ये था कि जैसे जर्मनी ने रशिया को अटैक, सोवियत यूनियन को अटैक किया था और वो उसके बाद कैसे वर्ल्ड वॉर टू पूरा चेंज हो गया वो हमें सबको पता है। तो एक फाइल में ये पता चला कि ब्रिटेन भी प्लान कर रहा था सोवियत यूनियन पर अटैक करने के लिए, ताकि जो उनका कॉकेसस वाला रीजन जहां से सोवियत यूनियन का मेन ऑयल एंड गैस वाला प्रोडक्शन होता था, ताकि उनको सेकंड वर्ल्ड वॉर में सप्लाई मिल जाए ऑयल एंड गैस का, ताकि फिर वो जर्मनी के खिलाफ एक फ्रंट खोल सके। तो इस तरीके से जितने भी फाइल्स नेताजी से रिलेटेड भी बहुत सारी क्लासिफाइड फाइल्स ब्रिटेन के पास हैं या इवन यूएस में भी हैं। कुछ फाइलें हों जो फाइलें नेताजी के बारे में ना हो लेकिन उसमें उनका रेफरेंस हो, जैसे मेरे हाथ में रिसेंटली एक फाइल लगी थी जो फाइल नेताजी के बारे में नहीं थी लेकिन वो उसमें उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग रेफरेंस था, तो वो उसको हम लोग सुना लेटर उस रेफरेंस को कहीं ना कहीं सोर्स से निकाल देंगे। तो ऐसे कई बार होता है कि सुभाष बोस के बारे में, जैसे मैंने एक फाइल देखी थी नाम्बियार, कैन टेल यू व्हाट इंटरेस्टिंग था, मैंने लंदन में ब्रिटिश आर्काइव में गया, वहां पे एक मैंने फाइल देखी नाम्बियार के पर, तो नाम्बियार वाज पार्ट ऑफ द नेताजीज, तो फाइल नाम्बियार के बारे में है। और उस फाइल में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे हाथ लगी उस फाइल के अंदर, जो ब्रिटेन का जो MI6 है, जो उनकी इंटेलिजेंस जो है फॉरेन इंटेलिजेंस, वो अपनी कोई फाइल पब्लिक नहीं करता, हाँ, लेकिन जो MI5 है, जो उनकी इंटरनल, जो उनकी IB की तरह जो हमारे यहाँ पर है, MI5 अपने हिसाब से चुन चुन करके फाइलें पब्लिक करता है, थोड़ी सी आप उनसे डायरेक्टली फाइल नहीं मांग सकते लेकिन वो अपनी अपनी स्वेच्छा से कुछ फाइलों को पब्लिक करते रहते हैं, कभी कभी साल में करते हैं निकालते हैं, लेकिन MI6 की पॉलिसी है कि वो कोई फाइल पब्लिक नहीं करता। लेकिन कई MI5 की फाइलों में आपको MI6 की फाइलों के कॉपीज मिल सकती है, तो इसके अंदर मुझे नाम्बियार की फाइल के अंदर मुझे वो नाम्बियार की फाइल MI5 से आई है लेकिन उसमें MI6 का एक डॉक्यूमेंट का मुझे रेफरेंस उसके अंदर मुझे कॉपी मिला, और ये 1948 का रिकॉर्ड है, और नाम्बियार उस टाइम पे हमारा शायद एम्बेसडर बन गया था जर्मनी वर्मनी वट एवर इस कंट्री के अंदर, तो उसमें साफ उसने मेंशन किया कि नाम्बियार थिंक्स दैट सुभाष चंद्र बोस इज इन रशिया, तो दिस इज इन अ सेंस कि अगर, और उसका नाम उन्होंने बोल्ड में लिखा हुआ था, इसका मतलब मैं मान नहीं सकता कि MI6 ने अगर नाम्बियार की इस बात को नोट किया है और जिस जिस सब्जेक्ट पे उनकी फाइलें होती है उसको बोर्ड में लिखा जाता है और सुभाष बोस का नाम वहां पे आ रहा है, ही इज इन रशिया, तो मैं ये बात को नहीं मान सकता कि अगर उसने इस बात को अगर वो रिकॉर्ड पर लेकर आए हैं तो उन्होंने इस बात की इंक्वायरी करी होगी। और तो जरूरी ये नहीं कि आपको फाइल सुभाष बोस के बारे में मिले, हो सकता है कुछ और तरह की फाइल हो लेकिन उसमें आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट रेफरेंस मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो सर मैं बस यही जानना चाह रहा था, जैसे मतलब आप ये कह सकते हैं कि मोटा मोटा हमें सबको पता है कि गुमनामी बाबा वाला थ्योरी और सब कुछ हमें पता है, इवन आपके कंडेंट्रम बुक में हमें हैंडराइटिंग का प्रूफ भी मिलता है। तो मैं बस ये जानना चाह रहा था कि मतलब हमारे कंट्री में लोग अभी भी इस चीज को उस तरीके से क्यों प्रमोट, मतलब इसको अवेयरनेस इसके बारे में क्यों नहीं आ रही है, या नेताजी को जो दर्जा मिलना चाहिए। कारण है बहुत बहुत से कारण है कि पहली बात तो ये कि हमारे जैसे लोग कोई बहुत, हम लोग बड़े आदमी तो हो नहीं, मैं नॉर्मल से आते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास के निकले लोग हैं। दूसरा है कि पब्लिसिटी उतनी जितनी होती उतनी नहीं हुई। तीसरा हमारे में भी कुछ खामियां हैं, और एक खामी जैसे ये कि ये सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है जिसके थ्रू मैं आप लोगों तक पहुंच सकता हूं, बातें शेयर कर सकता हूं,
किताबें जो हैं लोग पढ़ते नहीं हैं, जब तक किताब की एक अच्छी मार्केटिंग ना हो, वो मार्केटिंग करने के लिए पब्लिशर बहुत बड़ा चाहिए, तो बहुत कारण होते हैं। अब जैसे सोशल मीडिया का भी एक्सप्लॉयट करने का मेरे में टैलेंट नहीं है, भगवान ने रिसर्च करने का टैलेंट तो दिया लेकिन पैसा कमाने का टैलेंट नहीं दिया। अब पैसा नहीं होने से आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा होना चाहिए कि बॉस, मान लीजिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ और खबर आती कि जस्टिस हाई कमीशन की रिपोर्ट लखनऊ में आ गई है, इतना खुला पैसा होना चाहिए कि उसी टाइम पे जहाज पकड़ा, लखनऊ गए और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो ये आदमी के पास रिसोर्सेज होने बहुत जरूरी है ताकि आप काम कर सकें। तो भगवान ने ना वो टैलेंट नहीं दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे कंटेंट को ले लेकर के लोगों ने यूट्यूब में वीडियो बनाया है और काफ़ी अच्छे हिट्स मार रहे हैं क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन कंटेंट मेरा, डाटा मेरा। इनफैक्ट एक देख के मुझे बड़ा बुरा लगा, किसी ने लाल बहादुर शास्त्री वाले इशू को लेकर के मेरा माल चोरी किया, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। और मुझे प्रॉब्लम नहीं, अगर मेरा नाम ले देगा तो मैं बुरा नहीं मारूंगा, बुरा इस बात का कि तूने मेरा माल सारा मार लिया और तूने एक बार भी नहीं बोला कि ये उस आदमी किताब से मैंने चोरी किया, उससे लिखा, एक बार बोल दे यार। तो लोग ऐसे ही कर रहे हैं कहीं, तो है कि शायद मैं इसको एक्सप्लॉयट भी नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ को, जो मीडिया मुझे, मैं, मेरे में कुछ खासियत नहीं है, कुछ भगवान ने नहीं दिया वो टैलेंट दिया उसको एक्सप्लॉयट करने का। और जिसमें जो चीज़ में मैं कर सकता हूँ वो कोविड के चक्कर में ब्रेक लगे, कि मेरा सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है कि मैं जो अपने लेक्चर्स देता हूँ अपने लाइव ऑफलाइन में, और जो मेरी वो बहुत अच्छे चलते हैं, उस जो भी उसमें आ जाएगा उसको फिर समझ में आ जाएगा। अब ये कोविड के चक्कर में ऐसी बीमारी होगी कि हम लोग घर से नहीं निकल सकते, तो मैं उसी का, क्योंकि अभी कई कारण है, अब इसको आदमी किस्मत बोले या बोले कि जो ऊपर वाले ने लिखा है वैसा ही होगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सक्सेस थोड़ी बहुत मिली है, मिली भी है तो फिल्म बन गई, ये हो गया वो हो गया, नाम काफ़ी हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन सब काम करने से रिसोर्सेज मेरे पास में नहीं आए, और रिसोर्सेज के ना होने से मेरी गाड़ी बहुत धीरे चल रही है। तो ये प्रॉब्लम है, जैसे एक मैंने आपको मोटा कि पैसा नहीं है, अगर पैसा अगर हो तो काम करना बड़ा आसान होता है। लोगों को लगता है कि हमारी किताबें बहुत चल रही हैं और बड़े पैसे कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है बॉस। और मैं लोगों को बार बार ये बात बोलता हूँ कि अगर आपको पैसा कमाने के लिए किताब लिखनी है तो कभी फ्रीडम फाइटर को मत लिखना किताब, उसको कोई नहीं खरीदता। आपको पता है, आपने खुद अपने दोस्त यारों को बताया वो किताब के बारे में, आपने मेरी किताब पढ़ी है, कितने लोगों ने इंटरेस्ट लिया उसके अंदर? बहुत कम। और सारे के सारे बैठ के वो लव स्टोरियाँ पढ़ते हैं बैठ करके, इवन बुड्ढे बुड्ढे पढ़ते हैं बैठ करके, कॉलेज की वो खबरें पढ़ेंगे बैठ करके सुबह शाम। सो दैट इज हाउ इट इज, वी हैव अवर लिमिटेशन, सो हमारे भी हाथ बंधे हुए, क्या करें। और दूसरा सब्जेक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अब प्रॉब्लम ये हो रही कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे बंगाल में भी लोग पॉलिटिकल पार्टी अपना फायदा नुकसान देखती है? इसका मेरा मानना है कि इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा, बीजेपी संघ परिवार को, लेकिन उनका ये असेसमेंट मेरे ख्याल से अभी है कि गांधी भक्ति करने में फायदा, वो गांधी भक्ति कर रहे हैं। बाकी अलग अलग पार्टीज के अलग अलग रीजन है, बहुत सी पार्टी रीजनल पार्टीज है, उनका कोई नेशनल विजन है नहीं। उनका जिसका नेशनल विजन है या तो सुभाष बोस के खिलाफ में है, तो जो फेवर में है, जिसको फर्क पड़ना चाहिए उसको लगा कि गांधी ज्यादा अच्छी चीज है बात करने के लायक, उसका ज्यादा माल बिकता है। पॉलिटिकल पार्टी लाइक वो तो वही काम करेगी जो उनके हित में होगा, उन्हें उनको तो बहुत से मल्टीपल कारण है। थैंक यू सर, आपने मुझे ऐड किया, चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अक्षय आइए, नमस्ते, कहाँ पर आप? नमस्ते सर, लोकेशन बताओ। सर वैसे मतलब अभी प्रेजेंटली नोएडा में हूँ, बट नोएडा में मेरा थोड़ा सा ये अपना हल्का सा ऊपर लगाओ ताकि आपकी आवाज क्लियर है। माइक्रोफोन अभी क्लियर है सर? आप क्रिस्टल क्लियर है। ओके ओके, नोएडा बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ सर काफी हो रही है, यहाँ भी बहुत दबा के हो रही है बारिश, आज सुबह से ही काफी पड़ रही है सर। आज मौसम अच्छा, दिल्ली का मौसम अच्छा हो गया आज। वैसे सर लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मतलब नाउ एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड, लाइक लास्ट कुछ मंथ्स में सोशल मीडिया से ही पता चला थोड़ा आपके लिए कुछ मंथ्स सही नहीं रहे लास्ट के, तो नाउ इज एवरीथिंग ओके ऑन योर एंड? बताओ सर। सर आपको आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है, इसको मुंह के पास रखना तो आवाज क्लियर आएगी। अच्छा मैं यही पूछ रहा था सर, लाइक नाउ इज एवरीथिंग ओके ऑन योर एंड? लाइक मेरे को पता चला था सोशल मीडिया से कुछ लास्ट मंथ्स में आपके साथ काफी थोड़े ट्रैजिक रहे। अरे वो छोड़ दो, मत बात करो, मैं कार में क्यों बजे रोज वाले रात को,
के साथ में अपना ठीक हो जाता है। और बताओ। समय के साथ में जब आदमी थोड़ा सा रिकवर कर जाता है। नहीं सर, एक्चुअली मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था, बिकॉज प्रीवियसली आप लेते थे ऑनलाइन सेशंस, तो उसमें दो तीन बार आपसे बात किया था, बट उसके बाद फिर एकदम से बंद हो गया था। वो ठीक है, वो पुरानी बात, अब हम नया शुरुआत कर रहे हैं, नया बात करेंगे। आज बताओ, आज के लिए क्या बात है सर? आज के लिए एक तो क्वेश्चन लाइक मतलब आया माइंड में, इसलिए मैंने ज्वाइन भी किया। मैं आज वो मूवी देख रहा था अमेज़न प्राइम पे, ऊधम सिंह जी के ऊपर जो मूवी आई है, तो विक्की कौशल, मैंने उसके एडवर्ट उसके देखे हैं। अच्छी बात है, ऐसी फिल्में बननी चाहिए, चाहे वो थोड़ा उसको ड्रामेटाइज क्यों ना करें, लेकिन ऐसी फिल्में बनने से कम यंग ऑडियंस में एक अच्छा मैसेज जाता है। तो वो ही था सर, मतलब काफी देख के कुछ इंसिडेंट्स पे, तो जब वो जलियांवाला बाग मैसेकर दिखाया गया तब तो काफी मतलब बहुत ही गंदा लग रहा था। इनफैक्ट इमोशनल हो ही जाता है वो सीन। एंड मतलब मेरा सर क्वेश्चन एक्चुअली उसी चीज से रिलेटेड भी था। आपने वो HSRA के बारे में तो पूरा पढ़ा ही होगा सर, जो भगत सिंह जी ने एक नेशनल पार्टी बनाई थी चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलके। तो सर मुझे उसी बारे में पूछना था, क्योंकि कहीं ये लिंक मिलता नहीं है कि सुभाष बोस जी के व्यूज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, ऊधम सिंह, राजगुरु सुखदेव जी के, इनके बारे में क्या व्यूज थे उनके? नहीं, भगत सिंह के बारे में साफ था। भगत सिंह को जब फांसी हुई है तो ही वाज क्रिटिकल ऑफ व्हाट गांधी डिड नॉट डू फॉर हिम। और भगत सिंह के बारे में तो कमेंट मारे हैं कि भगत सिंह जैसे हमको और लोग चाहिए, तो भगत सिंह के बारे में एक्टिव थे वो। और वो शायद वो जो बुक उन्होंने भगत सिंह के साथ जेल में, वो जतिन दास ने मेरे ख्याल से हाँ, की थी उसकी पूरी हाँ, जब वो डेड बॉडी जब लाई गई तो नेताजी उसके इंचार्ज थे उसे। राइट राइट। सुभाष बोस ने काफी बोला उसको लेके, काफी उनकी तनाबनी भी हुई थी उसको लेकर के। तो भगत सिंह के बारे में रेफरेंस काफी दिया। चंद्रशेखर आजाद का रेफरेंस मेरी नॉलेज में नहीं है वो, बट ऑन द होल ही वाज इन फेवर ऑफ रेवोल्यूशनरीज। भगत सिंह का नाम तो लिया खोल करके कि भगत सिंह बहुत जाने माने हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद उस मानों में शायद इतना मशहूर नहीं हुए थे उस टाइम पे, तो उनका तो नाम लिया। चंद्रशेखर आजाद के बारे में अगर कुछ बोला है तो मैं चंद्रचूर को पूछूंगा, मेरा दोस्त चंद्रचूर, क्योंकि वो नेताजी के लाइफ एंड टाइम्स की रिसर्च वो करता है। मैं लाइफ एंड टाइम्स में मैं नहीं हूँ, मेरा फोकस सारा डेथ मिस्ट्री के ऊपर है। अच्छा, ओके ओके। तो ऑब्वियसली वो बात किया। और भगत सिंह के बारे में तो अगर आप मेरे फेसबुक देखेंगे, ट्विटर, मैंने वहाँ डाला है उनकी कमेंट है उस जमाने के, और इसेंशली वो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद वॉट यू नो गांधी जी डेड रिगार्डिंग भगत सिंह। तो ये तो रिकॉर्ड पर है। मतलब सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ से अराइज होता है, लाइक जो नेताजी ने बाद में एक कांग्रेस को बायकॉट किया एंड ही मेड हिज ओन पार्टी, तो और उन्होंने जिस व्यूज को लेके वो फॉरवर्ड ब्लॉक एंड ऑल द पार्टीज बनाए थे, सेम काइंड ऑफ थिंग्स जो भगत सिंह जी रेवोल्यूशनरीज उनके साथ मिलके जो उन्होंने HSRA पार्टी में काम किया था, दे वर डूइंग लाइकली द सेम थिंग। बस यही था एक्चुअली हुआ क्या, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जो बंगाल में रेवोल्यूशनरी थे, बिकॉज ये भारत में जो ये जितने रेवोल्यूशनरी काम जो हो रहे थे वो बेसिकली तीन जगह में हो रहे थे ज्यादातर, मोटा तीन या चार, बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में और यूपी में कुछ इलाकों में, तो ये इनके गढ़ थे। बंगाल में तो जितने रेवोल्यूशनरी थे उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सपोर्ट करते थे, उनका उससे उनको बोला था कि वो उनका अनक्राउंड किंग बोलते थे उनको करके। सो सुभाष चंद्र बोस वाज नोन टू बी सपोर्टिंग दीज थिंग्स इन कांग्रेस बिकॉज ही वाज अ कांग्रेस लीडर इन दोज डेज। जबकि भगत सिंह और पसंद करते थे पंडित नेहरू की, पंडित जी और भगत सिंह की विचारधारा थोड़ी कम्युनिस्ट टाइप की थी, लेकिन जब भगत सिंह का साथ जो हुआ तब पंडित जी ने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया जितना सुभाष बोस ने किया, निकल के जो उनके बारे में उन्होंने बोला करके। जबकि भगत सिंह का पर्सनल ओपिनियन पंडित जी के बारे में ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि पंडित जी ज़्यादा बातें करते थे कम्युनिस्टों के बारे में उस जमाने में, वो टाइम दूसरा था। लेकिन सुभाष बोस ने रेवोल्यूशनरी जो लोग हैं उनको छुप करके सपोर्ट किया, काम किया, इसीलिए जितने रेवोल्यूशनरी जो थे बंगाल के वो उनको सपोर्ट करते थे। और खासकर गुमनामी बाबा के प्रकरण के अंदर जितने रेवोल्यूशनरी थे अनुशीलन समिति के, वो अनुशीलन समिति में भगत सिंह थे एक टाइम पे, ट्रेनिंग उन्होंने वहाँ से ली थी। अनुशीलन समिति में ही वो डॉक्टर हेडगेवार RSS के जो फाउंडर थे वो भी कई बार काम कर चुके थे, तो वही अनुशीलन समिति के जो वेटरन्स थे वही उनसे मिलने आया करते थे गुमनामी बाबा के पास। तो वो लिंकेजेस वहाँ पर हैं उसके, वो तो हमने किताब में डाला है, लेकिन ज्यादा डिटेल में जाने का टाइम होगा जब चंद्रचूर घोष एक्टिव होंगे, मेरा दोस्त जो नेताजी के लाइफ एंड टाइम रिसर्च कर रहा है। अच्छा, तो मुझे बचपन से हमें चंद्रशेखर आजाद का मुझे बहुत ज्यादा उनका लगता है।
हाँ सर, मतलब आज जैसे वो मूवी भी देख रहा था सर, उधम सिंह जी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, मूवी में तो काफी अच्छे से डिटेल डिस्क्राइब। तो यार अच्छी फिल्म बननी चाहिए, बाकी तो उनको हमने भगत सिंह की फिल्मों में उनको देखा हम लोगों ने, पुरानी मनोज कुमार की फिल्म में ना, राइट राइट देखा था। चंद्रशेखर आजाद की फिल्म अच्छी बननी चाहिए, अब वो टाइम आ गया। आई होप एंड प्रे कि ये फिल्म हिट हो जो उधम सिंह पे बनाई है फिल्म, ये फिल्म अगर हिट हो जाती है तो फिर और फिल्म बनाएगी, क्योंकि सुजीत सरकार फिल्में अच्छी बनाता है, लेकिन अब कितना चलती है वो डिपेंड करता है कि लोग देखते हैं क्या नहीं देखते। राइट सर, सर एक क्वेश्चन और था नेताजी के लाइफ एंड टाइम से कि सर मतलब उनके सरदार पटेल जी के साथ कैसे रिलेशन थे? सरदार पटेल से उनका रिश्ते का इशू ये है कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे इन सिंगल लाइन में, और कई लोग इस सवाल को आजकल उठा रहे हैं क्योंकि उनका उनके दिमाग में फितूर है। उनका फितूर ये है कि नेताजी का मुद्दा उठा रही है बीजेपी, तो नेताजी का मुद्दा बीजेपी नहीं उठा रही, बीजेपी उठा रही है गांधी जी का मुद्दा, ठीक है। तो वो समझते हैं कि बाय टॉकिंग, और बीजेपी के एक आइकन है आज के सरदार पटेल, तो उनको लगता है कि सरदार पटेल की और नेताजी की बात करके वो उनको आपस में भिड़ा सकते हैं, वो लोग बंगाली वर्सेज पटेल, बंगाल वर्सेज गुजरात का ऐसा कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं काम करेगा। वो सिंपल कारण उसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सुभाष चंद्र बोस सरदार पटेल के बड़े भाई के बहुत क्लोज थे, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, तो वो इतने क्लोज थे कि विट्ठल भाई पटेल, पहली बार विट्ठल भाई पटेल ने और सुभाष ने मिलकर, सुभाष तो बहुत छोटे थे उम्र में, उन्होंने पहली बार गांधी के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया कांग्रेस में, इन्होंने खोला था 1930-31 में, ओके, उन्होंने खोला था, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। विट्ठल भाई पटेल सुभाष बोस से बहुत खुश थे, अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा उनको दे गए थे कि मुझे इस पे ट्रस्ट है कि ये जो काम करेगा और कोई नहीं कर सकता, और इस बात को लेकर के सरदार पटेल की फैमिली ने सुभाष बोस पे केस कर दिया था, करके कोर्ट में मामला चला गया था, और क्योंकि सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे नहीं थे तो वो केस उनके फेवर में सेटल हो गया। तो उसके बाद से उनके रिश्ते में कल से कॉर्डियल नहीं थे, लेकिन मिलते थे, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, बाद में मिलते थे जब वो नमस्ते नमस्ते करते थे ये थे, लेकिन उनके रिश्ते अच्छे थे। लेकिन कोई भी आदमी इसको लेकर के मतलब गुजरात वर्सेस बंगाल नहीं कर सकता, वो सिंपल रीजन की मान लीजिए मेरी अक्षय से बातचीत नहीं है, मान लीजिए मेरा आपसे झगड़ा है, ठीक है, लेकिन आपका बड़ा भाई मेरा दोस्त है हाँ तो सर, फिर आप ये नहीं बोल सकते कि अक्षय नोएडा का, मैं दिल्ली का हूँ तो दिल्ली वालों की नोएडा वाले से लड़ाई करवाते हैं, भैया आप लड़ाई नहीं करवा सकते क्योंकि मेरी अक्षय से लड़ाई है लेकिन अक्षय का बड़ा भाई मेरा दोस्त है। तो नेताजी की विट्ठल भाई पट्टो, मुझे कोई पूछता है हम बोलते कि हम तो विट्ठल भाई के सपोर्टर हैं, तो आप मुझे नहीं बोलते कि भैया पटेल पटेल के, मुझे मेरे दोस्तों ने पूछा, मैं लेक्चर नहीं गाता तो मेरे को सारे दोस्त पटेल थे वहाँ पे, उन्होंने पूछा मुझे आपका स्टैंड क्या है, अब वो दोस्त है मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं सर, मैंने कहा देखो सीधी बात है, जब तक सुभाष चंद्र बोस हैं 1945 तक मैं नेताजी का सपोर्टर हूँ, हाँ 1945 के बाद जब नेताजी सीन में नहीं है समवेयर एल्स, तब पूरे देश में एक यूनैनिमिटी थी कि सरदार पटेल वॉज द मोस्ट वर्दी लीडर, तो देन आई सपोर्ट सरदार पटेल इन दैट कॉन्टेक्स्ट इन दैट थ्योरी, अदरवाइज अगर आप बोलोगे तो हम विट्ठल भाई को सपोर्ट करते हैं, तो सर को 45 के बाद का हम सपोर्ट करते हैं, तो हर एक लाइक आपने आपने जो अभी पॉइंट बोला तो सर दिस वाज द ओनली रीजन कि जिसने उनके बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट किए थे या कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी थे? आइडियोलॉजिकल तो था ना कि सरदार पटेल वाज ऑलवेज इन द गांधी कैंप, सरदार पटेल तो सारी जिंदगी गांधी जी के साथ में रहे और सुभाष बोस कभी गांधी से बने नहीं कभी, तो ये डिफरेंस है आइडियोलॉजिकल। सरदार पटेल तो गांधी जी के बड़े खास वो थे, तो यही रीजन है क्या सर बीजेपी इतना प्रमोट कर रही है? आप अलग 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 आप कैंप में, गांधी कैंप अलग था, गांधी कैंप की सुभाष बोस से नहीं बनती थी, जो जो लोग गांधी कैंप में थे वो सुभाष बोस के पीछे पड़े हुए थे, सभी को पता okay. सर बस एक फाइनल क्वेश्चन है, लाइक एक बार आपसे जब लास्ट टाइम बात हुई थी तो आपने बताया था कि आप एक बार संघ के ऐसे शिविर और शाखाओं में भी गए हो अपने लेक्चर्स देने, तो सर आपके मतलब क्या कुछ आरएसएस में इतना कांटेक्ट नहीं है क्या जहां से आप ये बात को और ज्यादा प्रोपोगेट करवा सको? मेरा कुछ कॉन्टेक्ट नहीं है, मुझे जो बुलाता है करके, जैसे मान लीजिए कि मैं सिंगापुर में गया, ठीक है, तो वहां पर भी वो संघ के लोग हैं, उनकी अपनी शाखा टाइप लगती है, तो उसने कहा सुबह वो बुला रहे हैं, मैं वहां चला गया, मैं फिर मुझे जो बुलाता है मैं चला जाता हूँ, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। अगर कोई मुझे बोलेगा कि आप, मैं जादवपुर में भी गया लेक्चर के लिए okay. तो मुझे जो बुलाएगा नेताजी के नाम पे, मेरी ड्यूटी है वहाँ पे जाके बोलना, तो वो उसे मैं पिक एंड चूज नहीं करूँगा। अब उसमें बुलाने वालों में संघ वाले ज़्यादा हैं तो फिर कुछ उनकी श्रद्धा होगी तभी बुला रहे हैं, लेकिन मैं किसी को मना नहीं करता। अगर कोई मुझे बोलेगा, मैं किसी को पूछता नहीं हूँ कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ये क्या वो क्या, जब भी कोई सवाल, जैसे आप सब लोग आ रहे हैं मेरे पास, मैं आप लोगों को नहीं जानता पर्सनली किसी को, मैं रेंडमली लोगों को पिकअप कर रहा हूँ, और कोई आदमी इस तरह से नहीं करेगा कभी,
जो थोड़ा बहुत भी जानने वाला हो वो कभी ऐसे लोगों को रेंडमली बुला करके नहीं पूछेगा। मैं रेंडमली आप लोगों जनता में से कुछ चुन रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, कोई आपका क्रिटिसिज्म है तो आपसे सुन रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, आपसे ये नहीं पूछा कि आप कौन सी पार्टी के सपोर्टर हो, नॉल देते हैं जो सवाल पूछा उसका आंसर दिया। हाँ ठीक है, अब सवाल टेढ़ा पूछोगे तो आवाज आपको टेढ़ा जवाब मिलेगा क्योंकि मैं अपने हिसाब से बोलूँगा करके, लेकिन मेरा उससे वो नहीं। और दूसरा बात को मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हम जानने वालों में और बातचीत करने वालों में सब पार्टी के लोग हैं। मैंने ये कभी नहीं बोला कि सिर्फ मतलब एक ही पार्टी में सुभाष, इवन कांग्रेस में लोग सुभाष बोस को सपोर्ट करते हैं। मैं आपको अपनी किताब में दिखा सकता हूँ कि हमने कांग्रेस वालों की भी तारीफ करी है बीच में एक दो जगह। तो जो जहाँ तारीफ की बात है वो तारीफ करेंगे, जहाँ पे क्रिटिज्म है, मैं क्रिटिज्म कर नहीं था बीजेपी का, अभी अभी तो उन्हीं को अटैक कर रहा हूँ, अभी तो कांग्रेस की, अब तो ये कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं साफ बोल रहा हूँ, अगर आप ये नेताजी का रहस्य की मरने का मुद्दा अगर सॉल्व नहीं होता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पंडित नेहरू की नहीं है। पंडित जी को मरे हो गए 55 साल, अभी तो पूछेंगे मोदी जी से हम लोग, तुम क्या कर रहे हो भैया ये बताओ 6 साल से। पंडित जी को तो मैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रगड़ रहा हूँ, अभी तो ये लोग जनसंघ ही आंसर देंगे इस बात का, ये अब इनके ठीकरा इनके सर फूटेगा भी है। वन वे स्ट्रीट है ये, या तो आप सॉल्व करो, सॉल्व नहीं करो तो हम आपको आप पे ब्लेम ठोकेंगे सीधा क्या आप लोगों ने नहीं करा। सर बट एक जनरल क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है लाइक रिलेटेड टू दिस ओनली, कि अभी वैसे भी मतलब इंडिया में देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज गोइंग ऑन रिलेटेड टू इकोनॉमी, कम्युनल, एवरीथिंग, मतलब बहुत कुछ चल रहा है। उस टाइम पे आप इस इशू की प्रायोरिटी कितना देखते हैं कि लाइक अगर कल को मान लो ये चीज डिस्क्लोज हो जाती है तो विल इट बी गुड फॉर इंडिया, या इसको थोड़ा रोक के लाया जा सकता है? मेरे जैसा आदमी जो खास आदमी नहीं है, मैं बैठ करके जो भी काम कर रहा हूँ मुझे लोग इतना सुन रहे हैं, और आप देखो सब लोग यंग लोगों की बातचीत कर रहे हैं, आप मुझसे एंगेज कर रहे हो, और अगर मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ, IITs में जा रहा हूँ, अपने फॉरेन में जा रहा हूँ, अमेरिका में, MIT बॉस्टन में जा रहा हूँ, लंदन बिजनेस स्कूल में जा रहा हूँ, लोग मुझे सुन रहे हैं, इवन पाकिस्तानी या बांग्लादेशी भी सुन लेते हैं आकर के, तो कुछ तो प्रोजेक्ट, कुछ तो लोगों को मजा आ रहा है सुनने में, तो कुछ ना कुछ टॉपिक रेलेवेंस है। बाकी लाइफ जो होती है, मुझे किसी एक आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा था कि आप ये जो बातें कर रहे हो आजकल को तो आम आदमी को इससे मतलब नहीं है, तो मैंने उनको बताया था भैया आम आदमी को किससे मतलब है, तो मैं बताऊँ मैं तुम्हारे को ये बेकार की ना, ये बेकार की बातें मुझे मैं बताना कि आम आदमी को क्या पसंद आता है। मैंने कहा आम आदमी को आदमी गंद ढूंढता है ट्विटर, उसके अंदर आपका इंटरनेट के अंदर आपका 50% का ट्रैफिक सेक्स के ऊपर होता है, ये आम आदमी का इंटरेस्ट। डोंट गिव मी दिस बुलशिट अबाउट आम आदमी को क्या पसंद है, आम आदमी को सिवाय अपनी अपनी जिंदगी के अलावा किसी में इंटरेस्ट नहीं। दूसरा ये लाइफ इज लाइक अ न्यूज़पेपर, उसमें स्पोर्ट्स भी होगा, उसमें इकोनॉमिक्स भी होगी, उसमें पॉलिटिक्स भी होगी, सब कुछ होगा। चाहे कल को एटम हम कोई ना कोई ना फेंक दो आप किसी और कंट्री में, उसके बावजूद स्पोर्ट्स का पेज रहेगा। अभी ये पूरा कोविड का केस हुआ था, उसमें स्पोर्ट्स पेज खत्म हुआ क्या? नहीं खत्म हुआ ना, यहाँ लोग मर रहे हैं, तुम क्रिकेट की बातें कर रहे हो, लोग करेंगे ना, क्रिकेट की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो मैंने कभी ये नहीं बोला, मैं आप ये कह रहे हैं कि अब जैसे आप बोलो कि आज के दिन में लखीमपुर का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कब मना किया कि इंपॉर्टेंट नहीं, आप करो डिस्कस करो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप उसको पहले पन्ने में डिस्कस करो, लेकिन कहीं छठे पन्ने में मेरी भी खबर थोड़ी सी डाल दो कि ये सुभाष बोस पे ये क्या बात हो रही है। तो लाइफ में हर चीज़ के लिए स्पेस होता है, हम लोग लाइफ सिर्फ एक चीज़ के बारे में नहीं होती, हम सुबह शाम ही हम लोग फिर एक काम सारा हम एक काम करते हैं, हम सारे अखबार बंद करा दो, उनको बोलो सारे न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 28 तक और सारे मीडिया में पहले से लेकर के सारे में सिर्फ खबर छपेगी करप्शन के बारे में, स्पोर्ट्स बंद, साले फिल्में बंद करवाओ, बेकार के यहाँ लोग मर रहे हैं करप्शन से, आप तुम बैठ के तो नौटंकियाँ तुम करवा रहे हो, सब कुछ बंद करवा दो, सिर्फ करप्शन की बात हो। और मुझे लोग बोलते हैं कि ये हिस्टोरिकल टॉपिक में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, सारी यूनिवर्सिटीज़ में जितने डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री आप पैसा वेस्ट कर रहे हो बंद करवा, सारे स्टूडेंट्स को बोलो भागो, बेकार की बात है, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अकबर ने क्या करना था क्या नहीं किया भैया हमें क्या लेना देना, अकबर को मरे साले को 500 साल हो गए उसको, उस जमाने को गए हुए अकबर, अकबर है नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य को खत्म हुए 2000 साल हो गए, 2000 साल हो गए, उसको बंद करो और बैठ के सारे मार्केटिंग कोर्स करो, सेल्स का कोर्स करो, या यूट्यूब में वीडियो बनाओ, या क्या ये अप्रोच माई लाइफ में कि सारे सिर्फ मार्केटिंग करनी है, सिर्फ सिवाय पैसा कमाने के अलावा कोई लाइफ में और कुछ काम नहीं है, स्पोर्ट्स भी बंद, सब कुछ बंद, सिर्फ करप्शन की बात करेंगे हम लोग, हम कोई और बात ही नहीं करेंगे इसके अलावा लाइफ में। और मीडिया में बंद लगा दो कि मीडिया सिवाय करप्शन के अलावा कोई और बात ही ना करे, सिर्फ आम आदमी से जुड़े मुद्दे और कुछ नहीं, कोई स्पोर्ट्स नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ नहीं, करप्शन, करप्शन इज द मेन मुद्दा, यही लाइफ है, लाइफ में इसके अलावा कुछ है नहीं और कुछ।
राइट सर, राइट। बट सर पता है आपने अभी जो एक पॉइंट बोला उसमें एक चीज जरूर है, आप जो बोल रहे हो एकदम राइट है, क्योंकि मैंने भी थोड़ा ऑब्जर्व किया, लाइक आई एम ऑल्सो लाइक मेरे को थोड़ा हिस्ट्री पढ़ने में एंड ऑल द थिंग्स में मजा आता है। सर पता है आज का जो यूथ है या कुछ भी मास बंदों को समझ लीजिए, दे लाइक टू लिसन टू पीपल बट नॉट रीडिंग द कंटेंट। मतलब आप अगर उनको बैठ के एंड टू स्टार्ट टू एंड समझाओगे ना, दे विल हियर यू, दे विल हियर यू विद गुड इंटरेस्ट, बट आप उनको बोलोगे अभी रीड करो, दे डोंट वांट टू रीड इट। ये मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका हुआ है कि लोग पढ़ते नहीं है लेकिन YouTube के वीडियो दबा करके हिस्ट्री पे चल रहे हैं। मेरे ख्याल से हिस्ट्री और उस पर, क्योंकि मुझे शौक है शायद, मुझे लग रहा है, लेकिन हिस्ट्री ये वो टॉपिक जिनकी किताबें लोग नहीं पढ़ते हैं वो सारे टॉपिक का YouTube पे हिट है और उनके दबा के मतलब मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। राइट राइट सर, एट द एंड ऑफ द डे ये फिल्म लोगों को मजा आता सुनने में और इनफैक्ट इसका असर पड़ेगा, इसी फिल्म बनेगी कल को आगे पीछे जाकर के। तो ये एक अच्छा हमारे फेवर में ये पॉइंट आ गया कि दीज थिंग्स आर वर्किंग टू आवर फेवर, लोगों को पढ़ने में नहीं सुनने में ज्यादा मजा सुनने आता है, ठीक है, दैट इज गुड। अब अच्छा, और उसी लिए मेरा इंपॉर्टेंस है कि जो मेरी प्रेजेंटेशंस होती है ना, मैं जब पावर पॉइंट देता हूँ जाकर के, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये मैं इसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस मोड में अभी, खासकर ये गले में बांध के बैठा हूँ, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा, खुजली हो रही है गले के अंदर। आई एम कंफर्टेबल इन ऑडिटोरियम विद 500 पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड दे आर यू नो नॉर्मल पीपल, आई कैन लुक इन टू देयर आईज, I can observe their body language and they also behave accordingly. They will, you know, show their approval or disapproval in multiple ways. और screen में photo दिखा के, visual दिखा के और हंसी मजाक करके, वो मजा आता है मुझे करने में और वो अच्छा लगता है। अब चक्कर कि वो COVID की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो ये मुझे ऑनलाइन में आना पड़ रहा, लेकिन यू आर करेक्ट, लोगों को मजा आ रहा है, लोग सुनते हैं तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे ज्यादा आने वाले टाइम। Yes, मतलब बहुत से लोग, इनफैक्ट बहुत से लोग हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग हैं जैसे संजय दीक्षित अपने जयपुर डायलॉग्स वाले हैं। अब संजय जी को कोई टीवी में चंद में नहीं बुलाएगा क्योंकि वो बहुत प्रखर होके बोलते हैं। पुष्पेंद्र कुशवाहा जी को भी लोग नहीं बुलाते टीवी में, लेकिन अब वो अपना ही इतना प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो गया, उन्हें कोई जरूरत नहीं है, लोग उनके पास में खुद आएंगे। सर इनफैक्ट है ना उनकी अच्छा लगा, उनको सुनने की बातें हमको मिल रही है सबकी उनकी। मेरा ही सजेशन भी था सर, लाइक आप जब बोल रहे थे ना गेटिंग द रिसोर्सेज एंड ऑल, तो सर मतलब आप भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं, लाइक संजय दीक्षित जी ने ये जयपुर डायलॉग स्टार्ट कर रखा है, ही इज अर्निंग अ गुड मनी फ्रॉम दैट आल्सो, और उसके बाद वो और विदाउट अर्निंग मनी नोबडी, नाइदर संजय जी और नोबडी, नोबडी कैन डू एनीथिंग। तो अर्निंग मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज के बिना आप कुछ नहीं करते। तो मैं भी उस पर काम करूंगा, एक दिन ना मैं अड्डा बनाऊंगा इसीलिए, उसमें आप बैठ के मुझे एडवाइस देना कि करना क्या। अभी बीच में मैं बोल रहा हूँ कि यस जरूरत है, क्योंकि उसके बिना काम चलता नहीं है। क्योंकि मैंने संजय जी हुए, मेजर गौरव आर्य हुए, पुष्पेंद्र जी हुए, वो लोग पता है अपने स्टार्टिंग वीडियोस में ही बोल देते हैं कि यू हैव अ डोनेशन लिंक। बिल्कुल यार, अभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा 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 वेबकैम जो है मुझे लग रहा है शायद खराब हो रहा है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ उसको अब लूंगा तो अपग्रेड करूंगा। अब मैं वो देख रहा हूँ यार कि जो वेबकैम मैंने लॉजिटेक का रखा हुआ है इसका तो प्राइस उतना का उतना ही है जितना पहले था आज से 6 साल पहले, लेकिन इससे 720 इसका है ये, और मैं अगर 1080 में जा रहा हूँ तो 9,000 के मिल रहे हैं यार, सीधा ही तुम 6-6 गुना प्राइस बढ़ा रहे हो, और मेरे को भी 10,000 का मैं क्यों करूँगा लेकर के, मेरे तो इतने हिट नहीं आते ना, मेरा रेवेन्यू इतना उस पर आ रहा है कुछ करके। बट एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें मैटर करती हैं। मेरे पास अगर कार नहीं है, कार में पेट्रोल नहीं है, मैं जाऊँगा किसी लोगों से मिलने के लिए। लोग मुझे बोलते हैं हम आपसे मिलने आएंगे दिल्ली में, मैं आपसे कहाँ मिलूँगा, मेरे घर में जगह नहीं आपसे मिलने के लिए। आप मैं आपको मिलने के लिए बोलूँगा चलिए रेस्टोरेंट में आ जाइए किसी में, तो आपको मैं ढाबे में लेके जाऊँगा नहीं। फिर आप बोलेंगे यार ये बड़ा आदमी है वहाँ पे घूमता फिरता है फॉरन में और मैं ऐसे मिलने गया, इसने मुझे कॉफी नहीं पिलाई 200 रुपए की। राइट सर, यार तेरे साथ 6 आदमी और भी तो हैं मिलने वाले, मैं सभी को कॉफी पिलाऊंगा 200 रुपए की, मुझे कौन सा टकसाल खोल के बैठा हूँ यहाँ पे, मैं रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास में। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है, रिसोर्सेज होने चाहिए तभी आपका काम स्पीड बढ़ती है, और जब से आप जो बात कह रहे हो जब रिसोर्स आने शुरू होंगे तो आपका काम बढ़ेगा, तब हो सकता है कि मैं अपना चैनल को अपग्रेड करके इसको 1080 में लेकर आ जाऊंगा ताकि साउंड क्वालिटी अच्छी, एक अच्छा सा वो बड़ा माइक ले लूंगा ताकि साउंड क्वालिटी और इंप्रूव हो जाए, सारी चीजें करूंगा। राइट सर, मतलब बट आई थिंक वन ऑफ दीज इज आई विल डू अ सेशन ऑन हाउ टू जनरेट फंड्स, तो आप लोगों से मैं उसमें स्पेसिफिकली अनाउंस करूंगा, आप लोग जो जो उसमें एडवाइस, हम बात उसी ही करेंगे। फिलहाल अभी मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा वार्म अप कर लूँ, थोड़ा ये अपने आपको इस मीडियम से थोड़ा फेमिलराइज हो जाऊँ, आप लोगों से बातचीत कर लूँ, थोड़ा सा मेरा पब्लिसिटी हो जाए, उसके बाद करेंगे। अभी तो मैं बट सर मैं ये बोलूंगा आप जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा है। मेरे लिए अभी तक ये ड्राई रन्स है, मैं स्लो लर्नर हूँ, मैं चीज़ों को बहुत स्लोली सीखता हूँ, और जो जो चीज़ मेरी लाइफ में मेरी वीकनेस है वो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गए थे। मैंने कभी जिंदगी में खड़े होकर एक लेक्चर नहीं दिया आज से 7-8 साल पहले तक, मेरे को हिम्मत नहीं थी खड़े होकर बोलने की, और आज मेरे को बीमारी हो गई कि जब मैं 500 आदमी नहीं देखता मुझे बात करने का मन नहीं करता, और जहाँ 1,000 आदमी आएंगे मेरे को जोश उड़ जाता है देख करके।
तो बट सर आई वुड से कि जो आप चीज ये चीज जल्दी कर लो, हाँ मैं कर रहा हूँ, आई एम ए स्लो लर्नर, आई कैन नॉट हेल्प इट, मैं चीज़ों को स्लोली सीखता हूँ और मैं करूँगा, लेकिन मैं एक अड्डा मारूंगा आप लोगों के साथ में जिसमें आपसे इसी बात की राय लूंगा कि हम कैसे रिसोर्सेज को बिल्डअप करें ऑनलाइन अदरवाइज, क्योंकि मेरे को चाहिए रिसोर्सेज, मुझे अच्छा वेबकैम चाहिए, मुझे अच्छा माइक्रोफोन चाहिए, मेरे को शायद 1080 का मुझे चाहिए, तो मुझे उसको चैनल इनसे स्ट्रीम यार्ड्स को मैं प्लान लूंगा करके, बट वो रिसोर्सेज कहाँ मेरे पास, मैं पैसा कहाँ से, तो अलग अलग बातें सोचेंगे कैसे काम को आगे कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों की राय तब लूंगा, अभी लेट मी जस्ट गेट दी हैंग ऑफ इट, ठीक है? कूल सर, चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, क्या है, अब तो नोएडा में है, तो गुड नाइट टू यू, आप तो यस भारत सर, के बाहर थैंक नहीं यू हो, सर, हाँ थैंक ठीक है यू, ठीक है। अपूर्व नमस्ते, बताइए, नमस्कार सर, प्रणाम नमस्ते, सर। प्रणाम, नमस्ते, आप लोकेशन बताओ जो आपको नहीं मिल चुका वो बताएं। सर मैं रायगढ़ से हूँ सर, छत्तीसगढ़ से। जी हाँ, रायगढ़ में मौसम सर, कैसा यार? मौसम सर आज हल्की बारिश हुई है, बाकी गर्मी थी काफी दिन से। अच्छा आज दिल्ली में तो दबा के बारिश हो रही है, दिल्ली का मौसम आज बिल्कुल सुहाना हो रखा है आज। हाँ सर, यहाँ हल्का हल्का यहाँ दोपहर में बारिश हुई है हल्की सी। हाँ दिल्ली में तो अभी भी हो रही है, अच्छा ड्रिजलिंग, सर। यहाँ मेरे ख्याल से पहाड़ों में बर्फ पड़ी है यहाँ पे, तो जी सर, जी बर्फ सर, पड़ी है तो यहाँ असर पड़ेगा उसका। जी बताइए। सर। सर सबसे पहले तो ये मेरा मतलब फर्स्ट टाइम है जो मैं आपसे ऐसे डायरेक्ट मतलब बात हो रही है मेरी आपसे अपूर्व, आपसे मेरे ख्याल से आप पहले नहीं आए थे, मेरे को लगा आपको शायद पहले मैं देख चुका हूँ यहाँ पे, नहीं? सर, पर मैं बहुत ज्यादा मैं आपसे मतलब अंतर मन से, वो कहते हैं ना कि एक कनेक्शन जो फील होता है ओके, किसी को, तो वो मुझे बड़ा ही मतलब एक बड़ा ही गहरा और बड़ा डीप डीप कनेक्शन ही फील होता है जब भी मैं आपको बहुत बहुत समय से देखता आ रहा हूँ सर, आपको मैं यूट्यूब पे चलो, बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ। सो काइंड ऑफ यू। और अब आप जी मुझे सर, आप और ज्यादा देखेंगे, अभी तक जो हुआ वो हुआ, पहले मैं जी ज्यादा सर, एक्टिव नहीं था, जी अब सर, मैं ज्यादा एक्टिव रहूंगा मेरे फेसबुक, ये मेरे घर यूट्यूब पे, पे सबको पता है कि मैं बिल्कुल फैन हूँ चलो आपका, सो काइंड ऑफ, सो काइंड ऑफ, और अभी अभी मैं नेता, ज्यादा एक्टिव, पहले जो भी हो गया, अब मैं एक्टिव ज्यादा रहूंगा, अभी मेरा, आप जी सर, अभी मैंने नहीं सर, कल लाइव बहुत किया, अच्छा आज मैं हुआ लाइव सर, कर रहा हूँ, मेरा मेरा कोशिश है कि मैं ऑलमोस्ट डेली मैं एक सेशन एक करूँ, चाहे उसका टाइम मैं जी 2 घंटे सर, रखूंगा, उसका घंटे बात करूंगा, लेकिन जी मैं सर, रोज कुछ ना कुछ करता रहूंगा और अलग अलग चीजें करूंगा और लोगों से बातचीत करूंगा, बट आइडियली कम से कम रोज का एक वीडियो होना चाहिए, है बिल्कुल सर, जी सर, जी सर, ना? ये बताइए। जी सर, आपके सर मैंने जो ये लाल बहादुर शास्त्री जी पर जो जो है जो मूवी आई थी, तो उसमें सर मित्रोखीन आर्काइव्स के बारे में जो बात कही गई थी सर, तो सर वो कितनी सच है? वैसे वैसे तो सच है, मुझे पता है नहीं, कि मित्रों के वो नाके में वो जो लिखा था वो पोस्टन, वो ठीक है, वो एग्जैक्टली हुआ क्या था कि वसीली मित्रोखिन नाम का एक आदमी था जो रशिया जी में सर, नौकरी करता था केजीबी के अंदर, ठीक है, जी सर, और जी सर, उसने उनको उसकी मतलब उन्होंने उसको हटा करके वहां से, उन्होंने जी सर, उसको हटा के वहां पे उन्होंने उसको डिमोट कराया, तो उसको उन्होंने आरके में बैठा दिया, आरके में जब बैठा है तो उसको खुंदक थी उनको रशिया अपने ऊपर से लोगों से, उसी टाइम पे रशिया में वो जो केजीबी का आर्काइव था वो पुरानी बिल्डिंग से एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ, तो वो उसके वो अब क्योंकि वो आर्काइव में था तो वो उसके इंचार्ज में हो गया, वो भाई क्या करता, रोज अंदर जाता था, फाइलें खोलता था और फाइलों के फर्रे बनाता था खोल खोल के, और फर्रों को छुपाता था अपने जूतों के नीचे, जूतों के सोल के नीचे, और ऐसे करते अच्छा करते ये काम उसने 12 साल किया, वो घर में लेकर आए, घर में रात को टाइप करे उसको उन फर्रों को फटाफट, और बक्सों में डाल दे, और बक्सों को लेकर के उसने गांव में कोई घर था वहां पर जाके उसने जमीन में गाड़ देगा जाके यहाँ पे, हाँ तो उसकी जान थी, पकड़ा जाता था उसको, मार देते वो लोग उसको, वो सही बात है, तो वो उसने ये काम करा वो, और 12 साल तक तो ये काम करता रहा, तो ये मित्रोखेन आर्काइव उसका बन गया, 12 साल बाद ये रिटायर हो गया, रिटायर होने में के 1-2 साल बाद वो रशियन सोवियत रशिया टूट गया, जी सोवियत रशिया टूटने के बाद में ये आदमी जो है इसने रशिया का बॉर्डर क्रॉस किया और वो एक नया रिपब्लिक बना होगा, कोई तजाकिस्तान वटेवर ऐसे कुछ जो बने थे वहाँ पे छोटे छोटे, उसमें से जी किसी उस पर चला गया और वहाँ जाके ये अमेरिकन एम्बेसी में गया पहले, तो अमेरिकन एम्बेसी ने इसको भगा दिया, फिर ये जी ब्रिटिश एम्बेसी में गया, तो ब्रिटिश एम्बेसी में उन्होंने उनको लगा कि ये आदमी इंपॉर्टेंट है, तब इसने उनको पूरा पोथा दिया कि आप सैंपल लो, मेरे पास ये माल है, क्योंकि नॉर्मली लोग एक फाइल लेके जाते हैं तो उसी पर डिफेक्शन हो जाता है, इसने वो सैंपल तो फ्री में पढ़ा दिया उनको कि देखो जी ये पूरा सैंपल है, इन्होंने चेक किया इंग्लैंड में, इन्होंने MI6 ने अपने जी एंड पे, उन्होंने कहा जी ये जेनुअन माल है, जेनुअन स्टफ है, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट नहीं थे ओरिजिनल, मित्रोखेन नेवर हैड दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ही हैड दी
कॉपीज वर रिटन कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. तो इंग्लैंड के लोगों ने उनको क्रॉस चेक किया, उन्होंने बोला ये जेन्युइन है. उसके बाद MI6 का एक बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन हुआ था, रातों रात मित्रोखिन की फैमिली और उसके बक्से गायब हो गए. और फिर खबर आई 2 साल बाद कि साहब वो तो लंदन में रहते हैं साहब. तब उसने उनको परमिशन ली, उनको बोला था कि इनकी मैं ये डॉक्यूमेंट में निकाल के इसलिए लाया हूँ ताकि दुनिया को बताऊं कि ये किस तरह के लोग थे, तो आपने छापने. तब उन्होंने ये इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने उसकी विश को ध्यान में रखते हुए ये किताब छापी जिसका नाम था मित्रोखिन आर्काइव. उस किताब को लिखने का चार्ज दिया क्रिस्टोफर एंड्रयूज को, बड़े जाने माने प्रोफेसर थे जो इंटेलिजेंस के मामलों को समझते हैं, और उनको ओथ ऑफ सीक्रेसी दिलाई गई. उन्होंने मित्रोखिन आर्काइव को स्टडी किया. अब क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे इशू थे जिनको आप नहीं छाप सकते क्योंकि आप पे केसेस हो जाएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने मेंशन किया मित्रोखिन आर्काइव में कि भारत के 10-12 न्यूज़पेपर के एडिटर्स जो थे वो KGB के पेरोल्स में थे. अगर वो नाम लिख देगा तो कोर्ट में केस कर देंगे वो एडिटर के खानदान वाले, क्योंकि उनके पास सबूत तो कोई है नहीं डायरेक्टली, वो तो फर्रा लेकर आया था. तो उसने इसलिए ऐसे छोटा काट 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 के लिख दिया, वो डाल दिया करके. तो उसमें से काफ़ी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो असली माल मत्ता जो लेकर आया वो गवर्नमेंट्स के पास, क्योंकि जो इंडिया के बारे में जो चैप्टर उसने लिखा उसमें कोई बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन कोई ऐसी खास नहीं है, कोई वो लोगों को मालूम है. उसने आधे सोर्स तो साइट किए जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थे, कुछ 2-4 बातें उसने बोली है मोटी मोटी, बाकी तो है कि ये सभी को मालूम था कि हमारे लोग मिले हुए थे सोन से फोर्थ. तो उस सेंस में हाँ. और वो जो फिल्म में जो सीन दिखाया है वो मित्रोखिन जाता है रशियन वो फॉरेन एम्बेसी के पास, वो एग्जैक्टली ऐसे ही होता. मैंने शायद मेरे ख्याल से उनको बताया था इसके बारे में जी, थोड़ी डिटेल में अपने अग्निहोत्री जी को. जी जी सर, उसमें एक लाइन और आती है कि कोई कोई मतलब कोई कहीं पर ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है उसी में कि वी नॉक डाउन भाभा एंड नेल शास्त्री एज वेल. वो दैट इज समथिंग व्हिच आई डोंट कंकर विद. मेरा पर्सनली कि मैंने किताब लिखी है अपनी व्हाट योर प्रीमिसेस डिड, यस, तो उसके अंदर ही मैंने पूरे केस को मेंशन किया है और उसका कोई सिर पैर नहीं है, वो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. वो आदमी ने खुद नहीं बोला, उसने किसी और को बताया. जिस आदमी ने बोला था उसकी भी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी. अब उसने बोला नहीं बोला कोई प्रूफ नहीं है उसका कोई करके. उसके बाद ने ये बोला कि CIA का ये आदमी था, इसने किसी को बोला, तो डायरेक्टली वो CIA का आदमी नहीं बोल रहा, वो CIA का आदमी किसी को और को बोल रहा है. जिस आदमी को बोल रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है. लेकिन अगर उसका सच मान भी लो तो वो CIA का आदमी जो था उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी. तीसरा ये कि जिस तरह की लैंग्वेज उसने यूज करी है गाली गलौज वाली, ऐसी लैंग्वेज कोई भी प्रोफेशनल इंटेलिजेंस का खासकर रिटायर आदमी नहीं बोलेगा. वो प्रोफेशनल आदमी है, वो गाली गलौच नहीं करते. इस लेवल के आदमी, वो नीचे के छोटे छोटे इंस्पेक्टर गाली देते होंगे, लेकिन जो आदमी इतने बड़े लेवल पे रिटायर हुआ हो सीनियर लेवल पे इंटेलिजेंस में, वो भी रिटायरमेंट के बाद बुढ़ा हो जाए, वो इस तरह की गाली गलौच, वो बड़े कूल माइंडेड आदमी होते हैं. तो वो देख के लग रहा है कि वो नौटंकी है करके. ऊपर से भाभा की जो जहाज वो गिरा था उसकी वो इंक्वायरी फ्रेंच गवर्नमेंट ने करवा ली थी, वो कन्विंसिंग रिकॉर्ड है कि कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो सब बेकार की बातें. वो सब मैंने योर प्राइम मिनिस्टर डेट के अंदर मैंने कवर कर रखा है जी सर, ये सारी बातें. आई डोंट एग्री विद दैट. जी जी सर. सर एक क्वेश्चन है मेरा कि ये चूंकि मैं रिसेंटली मैंने UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, अदरवाइज जी सर थैंक यू सर, अदरवाइज मैं अभी एडवोकेट भी हूँ सर हाई कोर्ट में यहाँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ में. अरे वाह जी सर. तो रिसेंटली ये मेरे साथ एक वाकया हुआ कि जो ऑनलाइन क्लास में ले रहा हूँ तो उसमें मैंने मेंशन किया कि 7 नवंबर 2005 की मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट है, मॉडर्न इंडिया का लेक्चर था. तो उसमें जो सर थे मैंने उनसे पूछा डायरेक्टली मतलब उसमें चैट पे, सर कि ये जो रिपोर्ट है इसमें 2 कंक्लूजन्स वो दे रहे हैं कमीशन में. और चूंकि सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर ही वो पूरा लेक्चर चल रहा था उस दिन का, वो तो मैंने स्पेसिफिकली उस पर पूछा और मैं क्योंकि आपको तो मैं फॉलो करता ही आ रहा हूँ तो ये चीज मेरे दिमाग में बैठी हुई थी यार किसी से ऐसे से पूछना जो अपने आप को हिस्ट्री का बहुत बड़ा तुर्रम खान कहता है और इतना इतनी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है अगर कोई तो चलो कुछ तो बताएगा कि उनका व्यू पॉइंट क्या है इस बारे में. तो उन्होंने सीधा मना कर दिया, बोले इसको कोट नहीं करना एग्जाम में और इसको यूज मत करिए, ये काफी डिबेटेबल है. उसमें उन्होंने कहा कि काफी डिबेटेबल चीज है, you don't cite it with authority, you can put it as an example ke ha aisa kuch just somewhere very in a very mild way aur bilkul na hi karo to theek hai aisa kuch. To aisi approach lekar hum matlab
क्या चाह रहे हैं इंडिया में, और ऐसी ऐसे ऐसे मतलब मैं क्या कहूंगा सर कि लोग पढ़ा रहे हैं, एक ऑफिशियल नैरेटिव सेट हो गया जी, और जितने इतिहासकार या बाकी लोग हैं वो बेसिकली वो नैरेटिव के साथ चलते हैं या नैरेटिव को अपोज करेंगे तब आइदर वे जब आपको वो करने में आपको फायदा पहुंचे। अब जिस चीज करने में मुझे कोई फायदा ही नहीं पहुंचेगा, उल्टा नुकसान मुझे होने वाला है, तो मैं क्यों उसमें हाथ डालूंगा? वो तो हमारे साथ पागल आदमी हाथ डालेगा उसमें करके, कि उनको मालूम है कि अब जैसे हम लोग अपना एग्जांपल देते कि जितना मेहनत हम लोगों ने पापड़ इसके लिए बोले हैं सुभाष बोस के इशू को लेकर, बिल्कुल सर बिल्कुल, इसका अगर 2% काम मैंने महात्मा गांधी को लेकर कर दिया होता तो मैं पता नहीं कहां से कहां पहुंच चुका था, मुझे शायद पद्मश्री मिल चुका था सिंपथे, ठीक है ना, वो रास्ते खुल जाते हैं, आपको सारा पैसा मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। अब ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोगों को समझ में आता है कि इसमें दुखी लिखे आदमी को तकलीफ होगी, उससे अच्छा वही काम करो। हर एक आदमी अपनी रोटी कमाने के लिए पैदा होता है, अपना अपने 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 सुख के लिए जिंदगी जीता है, तो वो क्यों बेकार में पंगा लेगा चीजों से, और जो चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है। और फिर दूसरा ये होता है कि हिस्ट्री वगैरह के ना कोई आदमी हिस्टोरियन है उसका, तो फिर लाइफ का एक सपना होता है कि यार कल को अमरीका में जाऊँ, इंग्लैंड में जाऊँ, यूरोप में जाऊँ, उधर पढ़ाऊँ, उधर ही पैदा उधर ही बस जाऊँ, तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। उन्हें पता है सुभाष बोस का नाम चलता तो है नहीं उन कंट्रीज के अंदर, तो क्यों बेकार में अपनी लाइफ खराब करनी चीज़ों को लेकर के? तो कोई हाथ डालता नहीं है, वो फायदा नहीं है। फिर इस पर मटेरियल कुछ नहीं है पब्लिक डोमेन में लिखने के लिए। इनफैक्ट मैंने ये लिखा अपने इंडियाज बिग्स में कि कोई किताब ही नहीं है, किसने लिखी नहीं किसी को, हम लोगों ने ही वो नैरेटिव स्टार्ट किया, हम लोगों ने ही वो डेटा फिल करना शुरू किया कि ये डेथ मिस्ट्री पे ये डेटा भी है। और थोड़ा सा बिट्रेयल हुआ है कि जो उनके साथ के लोग थे उन्होंने धोखा दिया, उनके परिवार के लोगों ने गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जिनके पास दिमाग था। तो ये बहुत से मल्टीपल कारण हो जाते हैं, हर चीज़ का कारण एक नहीं होता, मल्टीपल कारण की सिस्टम पूरा ऐसा बन गया। अब वो कि वो सिस्टम का नैरेटिव सेट हो गया उसको हिलाना बड़ा मुश्किल है। तो और लोगों को पता भी नहीं है, फिर लोग अपनी जेब छुपाते हैं। आजकल नेताजी का नाम बहुत हो गया, पहले किसी को मालूम ही था कि मुखर्जी कमीशन क्या है, वो कमीशन क्या है, कभी रिपोर्ट नहीं आई, कुछ नहीं आया, डिटेल में डिस्कशन नहीं है, कोई हाथ डालेगा नहीं उसमें। सो इट हैज बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स, यू नो, और हम लोग की कोशिश है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर होगी, और कम से कम जो यंग लोग हैं उसको उस केस में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, तो मुझे उससे खुशी है। जी सर, जी सर। सर पर जो ये एक एक मतलब इतना कंफर्ट लेवल पे लोग इसको लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं, वो चीज पचती नहीं सर बहुत ज्यादा। वो इसलिए तो इग्नोर है कि वो इग्नोर कर सकते हैं ना। मैंने एग्जांपल दिया था कि हम लोग जब से मैं मेरे पैदा होने के 50 साल पहले और आने वाले 50 साल तक हर साल एक किताब आती है कि नथुराम गौड़से ने महात्मा गांधी को मारा था और नथुराम गौड़से एक बार संघ पर किसी संघ की शाखा में गया था, व्हाटएवर। अब इसमें नई बात क्या, मुझे बताओ तुम, इसको तुम बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो? इसमें नई बात क्या है, सभी को मालूम तो है जो भी है, लेकिन उसी बात को हर साल बोला जाता है, उसको रिपीट किया जाता है, उसी पे डिस्कशन फिर से हो रही है। तो अगर आप उसी बात को, सावरकर ने मर्सी पिटिशन क्यों की थी, क्यों नहीं की थी, अगर उस पर आप डिबेट 50 साल से लगातार करते आ रहे हैं और राजनाथ सिंह बोल रहा है फिर डिबेट उस पर हो रही है, क्योंकि उसमें उस टॉपिक में लोगों को इंटरेस्ट है, वो लोग इंपॉर्टेंट है, पावरफुल है, इसलिए वो टॉपिक डिस्कशन हो रहा है। अब हमारे वाले केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बड़ा पावरफुल आदमी, इसलिए उस पर ऐसी खुल के कोई बोल नहीं रहा। और इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है, तो प्रॉब्लम ये भी कि कॉम्प्लिकेशन है, तो जो पावर में है वो मुंह नहीं खोलना चाहते। इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसके जो कॉम्प्लिकेशन है बहुत खतरनाक है, उनके को कॉम्प्लिकेशन नहीं है ज्यादा के लिए। सावरकर को जो भी हुआ वो डिबेट भारत के अंदर रहेगी, लेकिन इसकी डिबेट का असर भगवान ना करे जो गुमनामी बाबा ने बातें बोली वो सच है, उसका तो इम्प्लीकेशन बहुत खतरनाक हो सकता है आगे जाकर। बिल्कुल सर, सही बात सर। अगर जो गुमनामी बाबा ने जो एलिगेशन लगाए हैं ट्रांसफर ऑफ पावर के बारे में, हाँ सर, अगर हाँ वो सर सच है, जी तो क्या हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग आने वाले जनरेशन को अपना? क्या आप लोगों ने अपने कंप्रोमाइज किया नेशनल सिक्योरिटी को? आप लोगों ने अंग्रेजों के साथ में मिल किया, वो तो उसने तो ये दावा किया कि आप लोगों तो पावर मिली भी नहीं है, अभी तो रिलीज पे चल रहे हो आप लोग को। हाँ सर, तो अगर वो बोला जो बोला उन्होंने जो सच है, जो एलिगेशन लगाया सच है, उसका तो बहुत खतरनाक डायमेंशन है उनकी, तो उन चीजों के। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, दैट इज हाउ इट इज सर। उसका भी सर जस्टिफिकेशन ये देते हैं कुछ मतलब लोग, मतलब जो थोड़ा बहुत जो कोल्ड वॉर और इस बारे में फिर जस्टिफाई करते हैं कि उस टाइम पे जरूरी था, अगर ऐसा नहीं करते तो हमारा ऐसा हो जाता और ऐसा इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं होता तो वैसा हो जाता। ये कहां तक सर मतलब ये ऐसा होता कि लोग, वो ऐसा होता है ना, वो बैंगन जो होता है ना वो थाली में यूं चलता रहता करके, ऐसे लोगों में ये होता है कि जब उनको बताओ ना कि पहले बोलेंगे जी गांधी जी ने आंदोलन किया और अंग्रेज भाग के चले गए, ठीक है, फिर आप उनको डेटा दो, नहीं बस गांधी की वजह से नहीं गए थे वो लोग, सुभाष बोस की वजह से गए थे।
हाँ फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं वो तो अंग्रेज चलो, क्योंकि उनको समझ में आ गया गांधी का नाम प्रमोट नहीं कर सकते, नहीं नहीं वो तो इकोनॉमिकली वीक हो गए थे अंग्रेज इसलिए गए थे, चलो ठीक है वो भी साबित कर दिया चलो नहीं गए थे, नहीं नहीं वो सुभाष बोस के वैसे नहीं गए थे अकेला, वो तो सब लोग लड़ते हैं उसका नाम क्यों ले रहे हैं आप लोग, साले तुम 50 साल से गांधी का नाम प्रमोट कर रहे थे, अब तुम्हारा जब हमने पलटा तुम्हारा कना शुरू किया तो तुम्हें याद आ रहा है कि बाकी लोग भी इन्वॉल्व थे उसके अंदर, नहीं वो तो लेकिन अंग्रेज बहुत अच्छे थे, वो तो फौज बनाई है, फौज कितनी प्रोफेशनल फौज हमको मिली है, उसी फौज के बेस पे हम लोग कश्मीर की लड़ाई जीते एंड ऑल दैट थिंग, तो वही लोग जो शुरुआत में गांधी भक्ति की बात कर रहे हैं वो घूम फिर के ब्रिटिश की तारीफ करना शुरू कर देंगे, उनको सिर्फ सुभाष बोस को नहीं मानना, चाहे उनको उसके लिए अंग्रेजों को डिफेंड करना शुरू करें, फिर बोलेंगे साहब कितनी अच्छी आर्मी है, अंग्रेजों ने यहाँ टेलीग्राफ लेकर आया, उन्होंने यहाँ पे रेलवे का जाल बिछाया, ये कुछ किया हमें कॉमनवेल्थ में जाने के बाद फायदे, मैं भी कह रहा हूँ फायदे होते, मैं कौन सा इंग्लैंड के खिलाफ में हूँ, तो सालों उसको लिखो ना किताब में, फिर झूठ क्यों बोलते हो कि अंग्रेजों को भगा दिया हम लोगों ने यहाँ से, आप बोलिए कि अंग्रेजों के आने का हमको फायदा हुआ था, मैंने कहा मना कि आपको के मत लिखो आप, तो आप ये दोगली बनते तो मत करो ना कि जहां गांधी आएगा तो आप अंग्रेजों को गाली दोगे कि हमको लूट के चले गए और गांधी ने उनको भगाया, और जहां मैं सुभाष बोस की बात बोलूंगा तो आप बोलो अंग्रेज से बड़े अच्छे थे यार, उनको तो हमारे फौज दे गए हमको तो ये दे गए वो दे गए, तो दोगलीबाजी नहीं चलेगी, बिल्कुल मेरा मानना है कि ब्रिटिश ब्रिटिश के फायदे हमारे को हुए, मैं कॉमनवेल्थ के खिलाफ में नहीं हूँ, मैं अभी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है अंग्रेज में किसी के साथ अभी आज के जमाने में, लेकिन वो डबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, उस समय के हालात में क्या था वो था वो था, भैया आपने अपने अपने देश के हिसाब से पॉलिसीज आपको बनानी थी, आपने बनाई आप लोगों ने, वो चक्कर है जी सर। सर एक लास्ट बस एक मेरा एक वो है क्वेश्चन है सर, जो जिस डीएनए टेस्ट की बात मतलब की गई है कि अगर वो भगवान जी का अगर डीएनए टेस्ट प्रॉपरली अगर कंडक्ट हो पाता तो काफी कुछ क्लैरिटी आ जाती, और उसपे जो हम लोग सोचते हैं हमारा जो मानना है जो हमारे बिलीफ है और वो जहां तक है वो मुझे प्रॉपरली हुआ है, एक में उसका डिसीजन उन्होंने अराइव नहीं किया, दूसरे में डाटा में छेड़छाड़ करी गई, दैट इज व्हाट। हां एक तो ठीक से हुआ सीडीएफडी का डीएनए उन्होंने ढंग से करा, लेकिन गड़बड़ उन्होंने कुछ करी है उसके जानबूझ के कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं किया, ऐसा कुछ हुआ सर। मेरा खून खोल जाता है सर कई बार ये सब जब मैं देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो मतलब, पर हम लोग सोचते हैं कि जी सर, पर आप जो कर रहे हैं सर वो उसमें हम लोग मतलब मैं ये समझता हूँ कि अपने मतलब इंडिविजुअली आपके साथ जुड़ करके और आपका ये देखिए आप यहाँ के बातचीत कर रहे हैं, जुड़ना हो गया इंडिविजुअली ये कर सकते हैं, किताब पढ़े वीडियो को लाइक करें शेयर करें ताकि मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचूं अपने, और लेक्चर वगैरह करवाएं करके। इनफैक्ट कल मुझे किसी ने बहुत अच्छी एडवाइस दी कि आप हमेशा अपने बार बार बोला करो कि जो जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, नहीं तो आपके व्यूज बढ़ेंगे नहीं, तो ये आपको मैं मुझे याद है आपके बोलने से कि आप लोग जो जो मुझे देख रहे हैं ना भैया इसको लाइक करो और शेयर करो, बिना इसके मुझे ये फॉर्मेलिटीज बोलने नहीं आती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत रेलिवेंट है कि आपको लाइक करना है और आपको शेयर, क्योंकि मेरा फिर वो 4-5 हज़ार से मुझे फर्क पड़ेगा नहीं कुछ ना इस केस को जी सर, और एक, जो एक मैं हो सकती है वो लेक्चर वगैरह करवाओ जी सर। सर एक सजेशन बस मैं दूंगा ये कि जैसे आप ये वर्चुअल अड्डा कर रहे हैं सर, ये बहुत बहुत अच्छी चीज है, इसमें जैसे आप ट्विटर पर हैशटैग कोई भी आप जैसे एक रोज जब भी वर्चुअल अड्डा होता है तो उसका कोई एक टॉपिक अगर अपन रख सके, करूंगा अपूर्व बाद में करूंगा, अभी अभी जी सर बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में है, ड्राई रन जी सर ड्राई रन में कर रहा हूं जी सर, और तो कैसे हम लोग उस हैशटैग को रीट्वीट करेंगे और वो करूंगा, अभी मैं अभी अभी एम्बेड देखो अभी अभी मेरे व्यूज मेरे एक दिन के अंदर 4,000 मेरे व्यूज आते हैं 24 घंटे में, 4,000-5,000 के आसपास में, उसको बढ़ने दो करूंगा, क्योंकि मेरे को ये मानना है कि मेरा एक इसमें एक यूएसपी मेरा ये बन रहा है कि जो भी थोड़े बहुत नॉन पर्सन है उसमें से मैं अकेला आदमी हूँ जो इस तरह से आकर के रैंडमली पब्लिक से सीधे बात कर रहा हूँ, सब लोग अपनी बातें कर रहे हैं लेकिन मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरा यूएसपी हो जाएगा कि डायरेक्टली आप हम लोग आपस में जो आपका, मैं चाहता हूँ कल को अपूर्व के पास में कोई और पॉइंट है बोलने के लिए विच मे नॉट बी, इनफैक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा कि इट मे नॉट बी रिलेटेड टू यू नो मतलब दिस टॉपिक ऑफ माइंड, अभी तो है कॉमन है कि आप लोग को मुझे मेरे से बात करना आते हो तो मेरे से नेताजी की बात करते हो सकता है फ्यूचर में हमारा, और मैंने इसको अड्डा का वर्ड, अड्डा का मतलब क्या होता है कि हम लोग अड्डा होता है कि मान लीजिए मैं रायपुर में आया आपके घर में आए हम लोग, वहाँ पे कोई मीटिंग चल रही थी, आपके चार दोस्त आ गए मैं आ गया, और जैसे हम लोग वहाँ एक इनफॉर्मल फ्रेंडली एटमोसफियर में डिस्कशन जो करते हैं जी, एक टॉपिक पे दो टॉपिक पे हम वो डिस्कशन कर रहे हैं, सो इट्स बेसिकली इनफॉर्मल चैट अमंग बिटवीन फ्रेंड्स, दैट्स सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग आई वांट,
और उसमें अगर आपको मुझे क्रिटिसाइज भी करना है तो आप फ्रेंडली वे में क्रिटिसाइज कीजिए, गाली गलौज देगा तो काट दूंगा यहाँ से, हटा दूंगा उसको करके, सही बात है, जो बोलेगा। लेकिन जितनी जैसे हमारे एक घर के अड्डे में हमारी जो बातचीत होगी उस लेवल को मैं चाहता हूँ एक फ्रेंडली वे में, इसलिए वर्चुअल अड्डा बना करके इसको, ये मैं कॉन्सेप्ट को स्टार्ट तैयार कर रहा हूँ। अगर ये अगर बन जाता है तो आगे जाकर के एक टॉपिक को ले लेके मेरा इंटेंशन है, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ एक डीएनए एक्सपर्ट को मैं जानता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो उनकी मेरी प्राइवेट बातचीत हुई थी आरएन इन्वेजन थ्योरी को लेकर के कि डीएनए में क्या टॉपिक है उसका, जी सर जी सर, तो मैं किसी उनको बोलूँ कि आप मेरे पास में यहाँ पर आओ। एक दो लोगों से मैंने और बातचीत की थी, उनको मैंने कहा था कि मैं आपसे बातचीत करूंगा फिर पब्लिक को मैं लेकर आऊंगा बीच में, तो लोग कंफर्टेबल नहीं है पब्लिक से बात करने के डायरेक्टली। मुझे नेताजी वाले केस में कुछ छुपाना नहीं है तो मैं पब्लिक को फेस कर सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव नथिंग टू फियर बिकॉज आई हैव ऑल द पॉइंट्स एंड आई हैव माय कॉन्शियस इज क्लियर, तो मुझे आप क्रिटिसाइज करोगे तो मैं हैंडल कर लूंगा उसको। जी सर, तो ऐसे करके देखेंगे सर, मुझे एक गट फीलिंग है सर, बहुत बहुत आई कीप दिस इन माइंड कि यस फ्यूचर में कोई इसका अड्डे मैंने टॉपिक लेंगे करके, और मैंने आपको ये बोला कि टॉपिक कैन बी इवन not related to Subhash Chandra Bose and Netaji, it can be yes, something sir, definitely national, anything of national interest. Yes sir, anything, it's an adda, I may not speak sir. I may just host Bilkul it mere wo size hone chahiye ki main sab on karke aapko bolunga yaar apni baat batao aur main aapse sawal puchunga ki main bhi ek normal after main bhi to rehta hu mujhe Netaji ke alawa mujhe bhi to interest hai, main bhi Lakhimpur ke bare mein khabar padhta hu, main bhi khabar padhta hu aapki tarah se, mujhe bhi interest hai, sahi baat sir, kisano ka andolan chal raha hai desh mein aur kaam ho rahe hain, China mein border pe kya ho raha hai, वो सब इंटरेस्ट है, मैं ट्विटर फेसबुक तो वो भी मैं चाहूंगा कि आप में से जो ज्यादा जानने वाला है, क्योंकि हमारे अड्डे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। जी सर, ठीक है ना, चलो जी सर, अच्छा लगा, बात सर, करेंगे बाद में। जी सर, बहुत सर, मेरे लिए तो चलो, थैंक यू सर, बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम सर, प्रणाम जी, आपको नमस्ते, आपको लेके फिर बंद करूंगा, इट्स ऑलरेडी 2 आवर्स नाउ, आपको ऑलराइट सर, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू, नहीं, यू आर द लास्ट पर्सन, अनफॉर्चूनेटली आई हैव टू से, अभिषेक है, मलयाबन है, आप हरदीप, आई एम सॉरी, आप, मैं किसी को ऐड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज अब 2 घंटा हो गया, मेरे को 1 घंटा बोलना चाहिए, बट आई विल कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन, बार बार करूंगा तो मुझे आपकी शक्ल याद आएगी, तो आपको अगली बार मैं पहले में ऐड कर दूंगा, ठीक है, आज संडे था तो मैं 2 घंटे बात कर ली, नहीं तो मैं 2 घंटा भी बात नहीं करता, ठीक है सर, मैं एक्चुअली पहली बार आपसे बात ओके सर, आई एम राइट नाउ इन चेन्नई सर, चेन्नई, ओह गुड, हाउ इज द वेदर इन चेन्नई सर, आज हल्की सी बारिश हुई थी बट देखा नहीं, एक्सप्लोर नहीं किया मैंने, अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ आपके वो राधा कृष्णन रोड पे रहा था, तो राधा कृष्ण रोड से लेकर के आई वेंट अप टू मरीना बीच वॉकिंग ऑन फुट फॉर 15-20 मिनट्स, आई स्पेंड सम टाइम इन मरीना बीच, यू नो 2 डेज, और वहाँ नेताजी का स्टैचू भी है वहाँ पे, वो भी देखने गया था मैं करके, और हैदराबाद अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट बीन एनीवेयर, लाइक आई वेंट टू दी हैदराबाद यूनिवर्सिटी कैंपस, दैट वॉज माई लास्ट टॉक इन फैक्ट बिफोर दी नो द कोविड हैपेंड एंड ऑल दैट, सो आई वॉज इन हैदराबाद कैंपस ओनली, आई डिडंट गो आउटसाइड द कैंपस, तो सर हैदराबाद इज बर्थ प्लेस ऑफ आबिद हसन आई गेस, हां बट आई हैव नॉट बीन, आई नो ही वाज फ्रॉम आबिद हसन सफरानी, उसको लिंक थे, यस सर, यस, तो मैं हैदराबाद में नहीं, मैं गया हूं लेकिन मैं हैदराबाद में, एक तो मैं एक दो बार एयरपोर्ट तक गया, मैं आई वाज गोइंग समवेयर इन एल्स इन महाराष्ट्र, सो आई वेंट टू द हैदराबाद एयरपोर्ट एंड लव्ड इट बिकॉज़ द सराउंडिंग्स ऑफ द हैदराबाद एयरपोर्ट आर वेरी नाइस एक्चुअली, वेरी ग्रीन, यस सर, यस, बहुत जबरदस्त बना है, एंड आई थिंक वी नीड टू थैंक चंद्रबाबू नायडू फॉर इट, और ऊपर से उसके बाद में ये कि उसका आसपास का लगा बहुत अच्छा है, फिर मैंने ऊपर से देखा, फ्लाइट से देखा मैंने, सो अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई रीच्ड हैदराबाद आई वाज एसेंशियली इन द यूनिवर्सिटी, बस वहां से मैं गोलकुंडा फोर्ट देखने गया था, दैट इज अ वेरी गुड, मैंने बनाया वीडियो, मैंने बना के रखा लेकिन उसको मैं एक्चुअली उसको मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं लेकिन वीडियो बनाऊंगा, डालूंगा उसको मैं, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट बीन टू डाउनटाउन हैदराबाद पर से, इन दैट सेंस मैंने एक्सप्लोर नहीं कर पाया, चेन्नई मैंने थोड़ा सा देख लिया, तो यस सर, सो इन केस यू कम टू हैदराबाद आई विल ड्रॉप योर डीएम सर, आई एक्सपेक्ट टेक यू अराउंड द सिटी, अभी तो चंदूचूर घोष मेरा दोस्त जो मेरा पार्टनर है इस केस में वो हैदराबादी है, वो तो वही रहता है, अच्छा ओके, तो ही प्रोबब्ली विल बी डूइंग लेक्चर्स देयर बिकॉज़ ही हैज नाउ मूव्ड टू हैदराबाद परमानेंटली, ओके 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 ओके, तो अगर मैं कल को आऊंगा इनफैक्ट, और मेरे बहुत सारे लेक्चर जो है ना वो इंडिक सोसाइटी, इंडिका सोसाइटी वाले करवाते हैं, तो दे आर आल्सो बेसिकली बेस्ड इन हैदराबाद,
वो मेरे सबसे ज्यादा लेक्चर उन्होंने ही कराए इंडिया में, अब्रॉड में, इंडिका वालों ने मेरे लेक्चर सबसे ज्यादा कराए। तो जैसे ही एक बार ये कोविड खोलेगा तो मुझे फिर वो ले जाएंगे। सो दे आर ऑल्सो बेस्ड इन हैदराबाद। सर तो आपने कोविड मेंशन किया था, तो 2020 के बिगिनिंग में सर आप ही के साथी ने एक्चुअली रिवील किया था कि एक इलेक्ट्रोफेरोग्राम रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुआ था डीएनए एनालिसिस का। तो सर उसका अभी मतलब आप फिर से मतलब आगे बढ़ पा रहे हैं या फिर एनी इश्यूज आ रहे हैं उसमें? बढ़ पाने का उसमें ये है कि हमें एक हल्का सा है कि हमने एक और एक्सपर्ट को कंसल्ट किया फॉरेनर को। ओके। इनफैक्ट दो को किया मैंने और। यस सर। तो एक ने तो जो था वो हैदराबाद की सीडीएफडी में काम कर चुका था पहले काफी टाइम का। उसने फोन पे तो मेरे को रिपोर्ट देख करके गालियां दी लिटरली। अच्छा। ये रिपोर्ट जो है ये इसमें बहुत प्रॉब्लम है, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट गिव मी इन राइटिंग। Without somebody giving me comments in writing, I will not consider. I have to have the name. Now, luckily, there's another expert in a foreign country. He was able to give very brief comments, but on the same line, ki these reports are not worth the credit. Yes. So this is a foreign expert has also confirmed the same thing which Ganesha Chaube has given us in writing, that there's something terribly wrong with the DNA reports, both of them. सर सेकंड ये आता है कि आपके वो योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड। सर मतलब मे बी आई हैव नॉट रेड इट प्रॉपरली बट आई हैव गिवन इट अ रीडिंग। सर व्हाई डू वी नॉट फाइंड अ प्रॉपर कंक्लूजन, मतलब एकदम ब्लैक एंड व्हाइट कंक्लूजन कि दिस सो एंड सो इंस्टीट्यूशन एंटिटी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेरा। अगर आपने मेरा नोट किया होगा, मेरा जो रिसर्च का जो स्टाइल है नेताजी का नॉवेल थिंग, आई एम सॉल्यूशन ओरिएंटेड, आई वांट टू रीच अ कंक्लूजन। यस, टू मी दीज आर मिस्ट्रीज व्हिच नीड टू बी रिजॉल्व्ड, लाइक अ मर्डर मिस्ट्री व्हाटएवर। यस, आई एम नॉट हियर टू जस्ट टू टेल द स्टोरीज, वांट टू कंक्लूड। नाउ इन केस ऑफ नेताजी द कंक्लूजन इज वेरी क्लियर बिकॉज वी हैव सफिशिएंट डेटा ऑन रिकॉर्ड। यस, ओके। नाउ पीपल हैड वर्क्ड इवन बिफोर मी ऑन दिस इशू। यस, Mine and Chandrachur's can be the best book on the case, but people before us had also worked. So we and yes. they had people were doing research. So I benefited from the research of others also. And there was a lot of data available in archives, etc. So we had a huge pool of information and circumstances were different and we were able to conclude something out of it. Now the Shastri case, the problem is that nobody had done anything out of this case. There was nothing was done. No yes. declassification. The government never gave out anything more than 2-3 pages of you know details in Parliament. Nobody wrote about it, so it was I started from scratch. Now, I have not only clarified the entire issue, put it in a proper perspective, given clear details about different theories. Yes, and I have very clearly stated that he died. His death was not natural. Nobody has concluded the way I have done. I have clearly concluded and given my reasons. And nobody has countered me on those facts. Yes, sir. Then I have given you there are three theories I have written that A, death is natural or not natural. I'm saying it is not natural. That means we yes, that is conclusive. That we have. So I'm drawing a conclusion. Nobody has done it before me, by the way. Yes. Number two, and it's not an allegation, I'm proving it. It's not, I've given all those details in my book. It's not a yes, allegation yes. I'm making. Number two, I have discussed the theory that Americans, you know, are responsible. I have debunked that theory. Yes. It is bullshit to say the Americans are behind it. Finished. I have discussed in detail the claim Russians killed him. And I have demonstrated it is not correct. Yes. Then I come to the issue, the claim that there was an inside hand. In which I am saying there is evidence of cover-up. So I am actually yes. raising my finger on the inside. But at the same time, I cannot confirm the exact thing. Okay. I don't have information, but I have already yes. given you 90% of the story. Nobody has done it before. Yes, yes sir. I'm not leveling allegations, I'm giving you data. Yes, sir. That, I don't know. That I fully understand. मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे, कोर्ट में केस कर देंगे। आप एक बात नोट करना, दुनिया भर के यहाँ पे वो चल रहे हैं और फेक व्यू, फेक वाले, वो फेक मिथ बस्टर्स वाले की गलत रिपोर्ट है एंड ऑल दैट, दे कीप ऑन मेकिंग देम। आज तक मेरे पे किसी ने हिट नहीं किया। Yes, sir. Yes, that is true. मैं जो बोल रहा हूँ, आप अभी मैंने ट्विटर में बात डाली कि गांधी जी ने ब्रिटिश को अपोलोजिया दिया था
अभी कोई बोल के दिखाया कि मैंने मैं डाटा नहीं दूंगा आपको, आप बोल के दिखाओ कि मैंने ये फेक न्यूज है, मैं आपको तब दिखाऊंगा कि बड़ा डाटा है मेरे पास। उसको कोई साबित नहीं, ट्विटर में ये बोलना मेरे बारे में कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत है, संघी अपना ठमकाना, वो बोलते रहो, बट वट एवर आई एम राइटिंग, गांधी जी और गांधीयन जो हैं आर्म फोर्सेस के खिलाफ में है, मेरे पास डाटा सारा पड़ा हुआ, मैं आपको नहीं दे रहा, मैंने किताब में लिख दिया उसको, किताब लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है, बोलते रहें गाली, कोई मेरे को बोल के दिखाया कि ये फेक न्यूज है, कभी कोई बेवकूफ कर रहा कि गांधी जी वाज इन फेवर ऑफ हैविंग आर्म फोर्सेस इन कश्मीर, इज ही आउट ऑफ हिज माइंड, महात्मा गांधी वाज टोटली अगेंस्ट हैविंग आर्म फोर्सेस इन कश्मीर, यस सर, इनफैक्ट ये कहां कहां से कहानी पढ़ करके आ रहे हैं आप लोग, गांधी जी को समझ नहीं है, यस सर, इनफैक्ट इट वाज उस वक्त ब्रिगेडियर मैनेकशॉ एंड सरदार पटेल का पूरा कन्वर्सेशन वो पढ़ा था सर, मैनेकशॉ होगा, मुझे सेकंड मिनट, मुझे डायरेक्ट वो चाहिए उनका, अपने अपने कृपा के साथ में जो कन्वर्सेशन हुआ वो सीधा पढ़ लीजिए आप लोग, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वो कह रहे कोई कोई बंगाली जनरल था उसने कहा था, अरे वो बंगाली से सारे आदि गांधी भक्त हैं, वो झूठ बोल रहा है, वो उसे कैसे मालूम, करियप्पा ने जो बोला है और जो महात्मा गांधी कलेक्टेड बॉक्स में छपा है दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक थिंग, यस सर, दैट इज द प्राइमरी सोर्स, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, अगर गांधी के सपोर्टर गांधी जो भक्त हैं आर्म फोर्सेस को सपोर्ट नहीं करते हैं, सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि यू शो मी सिंगल गांधीयन लीडर इन आर्म फोर्सेस, हाउ मेनी गांधीयंस ज्वाइन आर्म फोर्सेस इन इंडिया, नोबडी, उनके बच्चे ज्वाइन करते हैं क्या, किस गांधीयन लीडर के बच्चों ने आर्म फोर्सेस ज्वाइन किए, यहाँ पे सारे के सारे यूरोप अमेरिका में बैठे हैं क्योंकि पीसफुल कंट्रीज हैं सारी की सारी, वो बेचारे पीसफुल, वो पीस ढूंढते हैं, वो उनको पीस मन की शांति वहीं मिलती जाकर, चाहे वहाँ जाके उनकी फौज ज्वाइन कर लें फौरन अंग्रेजों की, लेकिन यहाँ के फौज के खिलाफ में वो लोग, तो कोई गांधीयन मैंने आज तक जिंदगी में देखा नहीं जो फौज में गया हो, तो ये कैसे बकवास कर रहे हैं कि महात्मा गांधी वाज इन फेवर ऑफ फौज, नॉट अ सिंगल गांधीयन हैज एवर सपोर्टेड इन एन आर्म फोर्सेस, दे नेवर जॉइन आर्म फोर्सेस, यस यस, तो ये लड़ाई के टाइम भी उन्होंने कभी नहीं बोला कि लड़ाई हुई हो भारत में और ये आपके गांधी पीस फाउंडेशन ने कभी कहा कि हम लोग सारे चलो डिफेंड करने चलो बॉर्डर को, अपने नहीं बोलेगा, हाँ सर, They are totally dedicated to the cause of peace. इन लोगों को गांधी जी की समझ नहीं है, गांधी जी apostle of peace, शांति के पुजारी कहते थे इसको, महात्मा गांधी was not in favor of having armed forces. गांधी जी की बेइज्जती कर रहे हैं आप लोग आगे ऐसी बकवास करके, अब ट्विटर पे कि गांधी जी ने अलाउ किया था कश्मीर में फौज जाएगी, नहीं गांधी जी ने कभी अलाउ नहीं किया, that is how. And sir, एक मतलब क्वेश्चन आ जाता है एक सुभाष चंद्र बोस जी की फैमिली के बारे में एंड हिज ओन डॉटर आल्सो, व्हाई अकॉर्डिंग टू यू डिड दे डिड डोमिनेंट सेक्शन बिकम प्रो कांग्रेस एंड स्टार्ट रिजेक्टिंग द ट्रू वर्जन ऑफ द स्टोरी रिगार्डिंग, फायदा है ना, फायदा है जहां पे अकलमंद अकलमंदी तो उसी पॉलिटिकल फायदा अकल, अब मैं भी बेवकूफ आदमी हूं जो बैठ के सुभाष बोस पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, अगर मैंने भी महात्मा गांधी पे स्टडी कर ली होती जी, अभी तो मैंने पीछे कलकत्ता के वो बिग बैन की फोटो लगा रखी है, मैं असली के बिग बैन के पास जाके बैठा होता फिर फायदा उसी में होता होगा, तो मुझे ये अभी तो मैंने वो नकली फोटो लगा रखी है, असली फोटो के असली में जाके मैं बिग बैन के पास पार्लियामेंट स्क्वायर में बैठ के लाइव कर रहा होता, हाँ वो तो जिस चीज़ का फायदा होता है दुनिया उसी पर चलती है ना, इसमें तो नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा क्या हमारा। और सर, आर यू लुकिंग टू एक्सपैंड द नेताजी फाउंडेशन, मिशन नेताजी फाउंडेशन? हमारा नेताजी फाउंडेशन उन्होंने कुछ नहीं, हमारा एक ग्रुप है, लोग काम करते हैं, ये जो हमारा एक्सपैंड हो रहा है आप लोगों के साथ में अभी तक आपके थ्रू बातचीत करके यूट्यूब के थ्रू हम लोग लाखों लोगों तक पहुँच रहे हैं, जितने लेक्चर मैंने दिए किसने दिए इतने सारे लेक्चर दे रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, अभी तो मेरा बेसिक फोकस और अभी प्रॉब्लम एरिया है कि कोविड ख़त्म हुआ है अभी, तो वी शुड गेट बैक टू अवर लेक्चर टूर्स एंड जितने आपके लिट फेस्टिवल्स वगैरह में जा जा करके इशू को रिवाइव करना, ताकि इशू पे हम एक वेव क्रिएट करें और वेव क्रिएट करने से गवर्नमेंट को पर्सुएट करें, ऑल सडन डन आई मस्ट रिपीट दिस थिंग, गवर्नमेंट हॉस्टाइल नहीं है, मोदी जी की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो ये आप और मैं ये बातचीत भी हमारी बातचीत भी नहीं हो रही होती, आप लोग आते नहीं मेरे बात करने डर के मारे, और ये कांग्रेस वाले भी छोड़ते नहीं, लेकिन ये कम से कम मोदी जी गवर्नमेंट में खुल के बात कर सकते हो, काम कर सकते हो, तो ये इनका हम साथ में लेंगे, इनको हम बोलें कि आपका और देश का हित इसी में करने में है तो कीजिए इसको आप,
नहीं करेंगे तो नुकसान आपका भी है और देश का नुकसान होगा। तो हम लोग ये इस उसके लिए बाहर निकलना, लोगों से बातचीत करना, लेक्चर्स करना या और काम करना। मेरे को उम्मीद थी कि गुमनामी फिल्म के हिट होने के बाद एक हिंदी फिल्म बनेगी, बट बॉलीवुड से कोई आया नहीं। नहीं, बॉलीवुड में लोगों ने इंटरेस्ट दिखा है, इंटरेस्ट दिखा है, लेकिन इंटरेस्ट दिखाना और बात है। इंटरेस्ट तो अनुराग कश्यप ने दिखाया था, मुझसे बात की थी बकायदा, उसका तो पर्सनल इंटरेस्ट है गुमनामी बाबा के ऊपर, वो पुरानी बात है, अभी मेरी कोई बात उनसे नहीं हुई। बट मेरा कहने की बात है कि इंटरेस्ट आप जो कह रहे हैं इंटरेस्ट दिखा है, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। अब ये कि ये उधम सिंह पे फिल्म आ रही है, अगर वो फिल्म हिट हो जाती है देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो हम लोग कोविड से अभी तो उभरे, अभी तो कोविड से बाहर निकले, अभी तो नॉर्मलाइज लाइफ तो नॉर्मल हो, अभी तो यूनिवर्सिटीज नहीं खुली है ढंग से, देखो सिचुएशन नॉर्मल हो, लोग आए उसमें तो हम तब चीज़ों को नॉर्मल लेकर आए। हाँ सर, और आप MNIT जयपुर विजिट किए थे सर? हाँ सर, तो एज मैं NIT भोपाल का ग्रेजुएट हूँ सर। तो अभी क्या था जो मौलाना आजाद कौन सा है वो वही है ना, मौलाना आजाद मेरा कॉलेज है सर। कब आया? मैं वहाँ गया हूँ, और भी वहाँ उधर बढ़िया लेक्चर हुआ था आपके वहाँ, कम से कम 2-4 MLA आए थे और आपके शिवराज सिंह चौहान की के मिनिस्टर आए थे एक दो, अच्छा हुआ सर। फिर एक और बार आई, अरे जितने बुलाओगे, मेरे को तो भोपाल अच्छी जगह लगती है, भोपाल में लेक के सामने। फिर मैं अपने जूनियर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ चुका हूँ वहाँ पे। और आपके NIT वारंगल में भी गया मैं, वारंगल बहुत अच्छा है मेरा। NIT वारंगल में गया, और वारंगल में जाते जाते मैं किसी गांव में घुस गया तो नेताजी की मूर्ति दिखाई दी मेरे को वहाँ पे, लोगों ने लगा रखी थी। अच्छा, अभी डाली थी मैंने फेसबुक पे। हाँ सर, सर एक्चुअली वो मैंने मेंशन इसलिए किया था वो मिशन नेताजी के एक्सपेंशन का, मेरे को लग रहा था कि जो कुछ मतलब सारी कहानी घूम फिर क्या ना कि कुछ भी बड़ा काम करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। अभी हालात ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि 4,000 रुपये का वेबकैम लूँ कि 8,000 का लूँ, तो क्या मैं क्या एक्सपेंशन करूँगा भैया वहाँ जा करके मैं। तो अभी तो मैंने बोल दिया शुरू कर दिया, लोग पहले पूछ सके भाई रिसोर्सेज की भाई किल्लत है, अभी नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ से हम लोग करेंगे। हमें अभी तो अपनी लाइफ में देखनी है, अपनी चिंता करनी है, हमें कौन देखेगा कल को, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, हमें कौन देखने आएंगे कल को। भगवान ना करे, हम लोग से भी पैसा लिया कीजिए सर, ये तो एक हम लोग बीमार पड़ रहे हैं हमें। हाँ, अभी मैंने कुछ मेरा टाइम कुछ ऐसा बीता थोड़े दिन पहले, मैंने देखा है कि बीमारी क्या होती है और आखिरी समय के अंदर क्या क्या काम होने चाहिए। तो भगवान किसी को किसी में ना, तो इतना पैसा होना चाहिए खुला कि किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके तमीज से आखिरी समय बिता सके। हाँ सर, नहीं सर, एक तो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि सर आप लोगों से, मेरे जैसे लोगों से तो डोनेशंस लिया करिए, मतलब हम लोग जितना हो सके उतना। मैं इसका टॉपिक करूंगा कि वो डोनेशन का प्रॉब्लम है कि डोनेशन लेने क्या मोडलिटीज हो, क्योंकि लोग गाली देते हैं कि पैसा दिया और ये पैसा खा गया। तो पहली बात मैं ट्रस्ट के अब सर वो तो होगा ही सर, मतलब अब मैं सीधा बोलूंगा आप जो है मुझे दे रहे हैं और मैं काम कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड है, और जो देना डायरेक्टली आप मुझे दीजिए और उसको मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा उसका और अपने हिसाब से काम करूंगा, क्योंकि वो ट्रस्ट में डालने से मैं उसको यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि अपना काम करने के लिए मुझे, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये हमने काम किया और ये काम किया अपने दोस्तों के फंड्स के बेस पर जो हमारे साथ है। हाँ सर, मैं मुझे एक शहर में मीडिया में खबर चलानी थी, ये बात मैं कर रहा हूँ आज से 15-16 साल पहले जी, ठीक है। तो हमने पिन पॉइंट किया कि हमें एक पत्रकार को अपने साथ में लेना पड़ेगा जी सर, वो खबर क्यों करेगा, नेताजी में कोई किसी को इंटरेस्ट था नहीं, ठीक है। हम इकट्ठे हुए, मेरे दोस्त ने 5-star होटल में खाने का इंतजाम किया लंच का, और हमने पत्रकार बंधु को वहाँ बुलाया, 5-star में खाना खिलाया, उसने भी देखा कि ये लोग 5-star में बुला रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट अच्छे आदमी है, खाना पीना हुआ, तब जाके वो माना हो रहा है, उसमें उसकी गलती नहीं है, उसको समझ में आया कि ये लोग भी ढंग के आदमी हैं, क्रेडिबिलिटी बनती है कि आपको 5-star में गए, खाना खिलाया, बातचीत हुई, करके समझाया बैठे बैठे, नहीं तो मुझसे वो 5 मिनट बात नहीं करता वो, लेकिन वहाँ वो उसको समझा कि बड़ा आदमी है, बातचीत करी, समझाया, करा, और स्टोरी वहाँ चली। अगर मैं कोई ट्रस्ट चला रहा हूँ, तो ट्रस्ट में ये एक्सपेंस में क्या दिखाऊंगा, वो तो बोलेगा ना, जब वो आप स्टडी करेंगे मेरे एक्सपेंस की, तब बोलेंगे कि ये साले को हम पैसे देते हैं नेताजी के बात करने के लिए, ये साला 5-star में जाके खाना खा रहा है और शराब का बिल भी है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं अपने लिए वहाँ नहीं गया था खाने के लिए, मैंने उस पत्रकार को वहाँ खींचा है, उसको पिलाइए थोड़ी सी,
कंपनी देने के साथ में एक कप मैं पी गया और अगर मैं ये काम नहीं करता तो वो स्टोरी नहीं छपती। इस एक्सपेंस को मैं कहाँ दिखाऊंगा अपने ट्रस्ट के फॉर्म में? मुझे इस तरह का खुला पैसा चाहिए अपने हाथ में ताकि जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम करने मुझे आसानी है। वो ट्रस्ट में रह के या तो ट्रस्ट के पास बहुत तगड़ा पैसा हो उसमें आप लगा के समझ में आ रहा है तो हमें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो हमने ये डिसीजन लिया कि मैं जो ट्रस्ट वस्ट नहीं चलानी है, लोगों ने जो मदद करनी है मेरे बैंक में डाल दो पैसा, आप मेरी मदद कर रहे हैं, आपको मेरी चिंता है कि मैं पब्लिक के लिए इस इशू पर काम कर रहा हूँ, आप चाहते हैं कि मैं सुख में रहूँ, मेरे को परेशानी ना हो लाइफ के अंदर, ठीक ठाक रहे और जहाँ पैसे की जरूरत हो किसी भी काम के, चाहे मैं कल को बीमार पड़ जाऊँ मुझे उसका पैसा होना चाहिए अपने इलाज करने का। क्या अफसोस क्यों मैंने क्या पाप किए हैं क्या? जो लोग साले गांधी भक्ति कर करके साले बैठे हैं अमेरिका यूरोप में पैसे तगड़े चमका रहे हैं, मैं अगर कोई अच्छा काम कर रहा हूँ कि मैं तो मैं क्या जाके, जब मैं बीमार हूँगा तो मेरे को हक नहीं है कि मैं जाकर अपना इलाज कराऊँ अपोलो के अंदर या किसी बड़े मैक्स हॉस्पिटल में? क्यों उन्हीं का शासन बनता है, हम लोगों ने क्या पाप किया? फिर मैं आपसे लूँगा डायरेक्टली, आप लोगों से बोलूँगा आप मेरे को उसमें डाल दीजिए, थोड़े थोड़े पैसे दीजिए करके ताकि हम लोग उसमें काम कर सकें, लोगों से बातचीत करें। मैं कल को किसी शहर में जा रहा हूँ, मुझे किसी पत्रकार बंधु को लाइन पर ले जाना तो उसे बोलूँगा भैया फैसल में आ जा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक बार ये परसेप्शन, यू नो वेरी वेल, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, परसेप्शन आर एवरीथिंग, परसेप्शंस मेक थिंग्स, यू नो एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ परसेप्शन, व्हाट यू पीपल परसीव यू इन दैट वे। यस यस, मैं किसी को नहीं बोलता मुझे सर 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 बोलो, किसी को नहीं बोलता। पर मुझे याद है कि जब मैं लंदन में नहीं जा, मैं लंदन में गया, मैंने लंदन बिजनेस स्कूल में लेक्चर दिया, वो लोग जो मुझे पहले अनुज अनुज कर रहे थे बाद में सर बोलना शुरू कर दिया, भैया मैं वही आदमी, मुझे मत बोलो सर, मुझे परेशानी है। तो उनको ही लगा कि यार ये लंदन में जाकर लेक्चर कर बड़ा आदमी होगा। आई वेंट टू कलकत्ता सेवरल टाइम्स, कई जगह कई बार ऐसा कि वहाँ मुझे बिल्कुल थर्ड क्लास जगह में रहना पड़ा। मुझे पत्रकारों को बोला अच्छा कहाँ ठहरे, कहाँ पे? बोला जी यहाँ ठहरे। अच्छा मिलेंगे शाम को आपको, कोई इंटरेस्ट नहीं किया। एक बार मैं गया और मेरे को कोई बड़ा आदमी मुझे साथ ले गया था, उसने जाके मुझे होटल ग्रैंड में ठहरा दिया, वहाँ का सबसे पुराना बढ़िया मतलब टॉप हॉस्पिटल वहाँ का होटल है, वहाँ का कलकत्ता फाइव स्टार सेवन स्टार बड़े बिल्डिंग, वहाँ फ़ोन किया हाँ शाम को आते। उनको लगा यार बड़ा आदमी है, अगर ये होटल ग्रैंड होटल में ठहर रहा है तो ही मस्ट बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सो दिस इज ऑफ आई एम द सेम पर्सन, आई डोंट केयर, आई एम द सेम पर्सन, बट देन पीपल गो बाय दोस गिमिक्स, समटाइम्स दे हैव डोंट हैव टाइम टू जज यू आल्सो, हाउ विल दे जज? सो पीपल जज यू बाय द यार्डस्टिक ऑफ सक्सेस। पागल आदमी में और बड़े आदमी में फ़र्क क्या? पागल आदमी वो है जो अपने काम करके पैसा नहीं कमा, उसको पागल बोला जाता है। जो आदमी अपने काम करके अपना पैसा कमा रहे और नोट छापे उसमें, वो साहब उनकी काम चलता है। वो अल्बर्ट राइट विल्बर्ट राइट ब्रदर्स ने कभी पैसा नहीं कमाया, जहाज बना दिया उन्होंने खत्म, लेकिन जिसने बैठ के वो कोका कोला की कंपनी को खरीद करके मार्केटिंग कर दी उसके खानदान की चांदी होगी, उनकी उनका डंका बचता है। लाइफ इज ऑल अबाउट रिसोर्सेस, हमें अपना सोचना है, मुझे और चंद्रचूर को अपना सोचना है कि हमारा तो मुझे वो ट्रस्ट का मॉडल ठीक लगता नहीं, ये पैसा बहुत कम आता है उससे फर्क पड़ता नहीं और हम वो काम नहीं कर सकते। मुझे इतना रिसोर्सेज चाहिए ताकि मैं अपना काम ढंग से कर सकूँ, कि अपने को लोगों से मिलना हो, बातचीत करनी हो, लोगों को पर्सुएट करना हो अपने अपने केस के बारे में। इट्स ऑल अबाउट दैट, आई नीड एक्सपेंस फॉर दैट। हाँ सर, दूसरा यही था मैं सोच रहा था कि मतलब जो यंग लोग है जो मेरे एज के, जिनको मतलब वीडियो एडिटिंग और YouTube, सोशल मीडिया हैंडलिंग ये सब थोड़ा समझ में आता है, वो लोग आपके साथ वॉलंटियर कर ले, अगर वो पैसा ना भी दे सके तो आपकी मदद ही कर दे किसी। नहीं नहीं, मैंने कहा ना मदद करने का मतलब पैसा नहीं है, अभी तो मैं पैसा मांग ही नहीं रहा, अभी तो हम बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मदद करने का मतलब पहली बात तो है कि आप मेरे वीडियो देख रहे हो यूट्यूब के अंदर, ये मदद है, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है ना, ट्विटर में आइए, ट्विटर में आप मेरे रिव्यू मारिए, फेसबुक में देखिए, लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, ये मदद है, किताब पढ़िए, मदद है, इधर उधर बातचीत करके मेरे लेक्चर को ये मदद है। तो मदद करने के 50 तरीके, मदद डज नॉट मीन ओनली फाइनेंशियल, इट मीन सो मेनी थिंग्स, वो भी मदद कर रहे हैं, आप भी मेरी मदद कर रहे हैं, मुझसे बात करते हैं। हाँ सर, मतलब आई अंडरस्टैंड बट वही था कि मतलब अब मुझे आप ये मुझे बताओ, श्रेयस मुझे बताओ ना कि मान लो कि हम लोग सारे काम ठीक करें और मेरे वीडियो ही मैं मिलियन मिलियन में हिट माना शो कर दूँ जी, मुझे फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि लोगों को पैसे मांगने की, उसी में काम हो जाएगा ना फिर। अभी तो है कि मैं 5000 व्यूज को लेके मैं क्या चाटूंगा क्या,
तो पॉइंट ये कि वो जब मदद उसी में कि जब लोग आएंगे सपोर्ट करेंगे उसमें ऑटोमेटिकली रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। मुझे एक घंटे से वो बोलना नहीं चाहिए। चलो एवरीबॉडी गुड नाइट, जो जो इंडिया में है गुड नाइट, और जो जो फॉरेन कंट्रीज में उनको गुड आफ्टरनून और इवनिंग व्हाटएवर इट इज, बाय बाय, सी यू।